ये वो टाइम खराब वाली हो जाएगी। अब सबको पता है फॉर्मूला, सबको आता है, लेकिन कितना टाइम लगेगा वो देखो, बेवकूफ हो जाओगे। पहले तुम एक काम करोगे, एक लाइन सेगमेंट खींचोगे, है ना, जिसका इनिशियल पॉइंट कितना है भाई, 17 माइनस 2, ठीक है। ध्यान से देखो इधर, इसको थोड़ा करेक्ट कर लो ताकि रूट में आंसर ना आए, वैसे आंसर तो उससे भी आ जाएगा, इससे ठीक कर लो, इससे बस रूट में आंसर नहीं आएगा और कुछ नहीं है, ठीक है, इसे ठीक कर लो, इससे आंसर रूट में नहीं आएगा और कुछ भी नहीं है, ठीक है, इससे आंसर रूट में नहीं आएगा, बाकी और कुछ तो है नहीं, ठीक है भैया, है ना, तो करेक्ट कर लेना उसको, 5 लिख देना, -5 नहीं है, उससे रूट में बच जाएगा आपका आंसर। तो पहला पॉइंट है 17 माइनस 2, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है -7 -5, -7.5, ठीक है। यस सर जी, ये बात समझ में आ गई, ठीक है सर जी, यहां देखना ध्यान से, है ना, अब ध्यान से देखना भैया, ये 1 बजे तक क्लास है आपकी, 2 बजे से फिजिक्स है, चुपचाप बैठ के शांति से पढ़ो। अब क्या कह रहा है, पी पॉइंट उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है किसमें, 3:2 में, तो पी यहां पे होगा, ये 3 है, ये 2 है, 3:2 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और क्यों डिवाइड कर रहा है, 3:2 में एक्सटर्नली, यहां पे क्यों मानना पड़ेगा, पहले ये समझ लो जो करना नहीं है पेपर में, ये चीज नहीं करनी है, क्यों डिवाइड कर रहा है इसको 3:2 में, क्लियर, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला लगा के खत्म करना है, ये इंटरनली कर रहा है 3:2 में, है ना, ये डॉटेड से एक्सटेंड किया, ये 3:2 में एक्सटर्नली कर रहा है, अब आपको फॉर्मूला लगा के करना पड़ेगा, लेकिन टाइम टेकिंग बहुत ले लेगा, एक बार इंटरनली का एक बार एक्सटर्नली का, कैसे, पहले 3 की इससे करेंगे, 3 की इससे करी -21 mx2, फिर 2 की इससे करेंगे 17 × 2 = 34, और नीचे 3 और 2 = 5 आ जाएगा, 3 की इससे करेंगे 15 mx2, 2 की इससे करेंगे -4 और नीचे m+n, ये तो निकला किसका फॉर्मूला, इंटरनली का, एक्सटर्नली में बीच में माइनस लग जाएगा, यस सर जी, तो -21 -34 और 15 -4 ये लग गया, और नीचे m-n आ जाएगा, 3 में से 2 गए, 1 1, तो पॉइंट तो निकल गए, ये निकला भाई आपका 4 और 1 = 5, 3 और 2 = 5, ये निकला, ठीक है, ये आपका निकला 34 में से 21 गए कितने भैया, 34 में से 21 गए, 4 में से 1 गए, बटे में निकलेगा आपका 4 में से 1 गए 3 निकला, ठीक है, और 3 में से 2 गए 1 निकला, तो 13/5 निकला, 15 में से 4 गए 11/5 निकला, तो इंटरनली वाला पॉइंट ये निकला, एक्सटर्नली वाला पॉइंट ये निकला। अब आप इन दोनों में लगाओगे डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर सॉल्व करोगे, तब आपकी पीक्यू की लेंथ निकलेगी, तो ये बहुत बेवकूफी वाला काम हो जाता है, तो डायरेक्ट सुन लीजिए क्या कहानी है, क्या करना है, ऐसे करना है, नहीं भैया ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है ना, बाकी सारे बच्चे ऐसे ही करेंगे, एक बार वो इंटरनली का फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार एक्सटर्नली का, फिर वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे, बट ऐसे करने में तो हो गया भैया कल तक भी नहीं होने वाला, क्वेश्चन और पेपर में आ भी चुका है, तो आपको एक्स्ट्रा बातें पता होनी चाहिए, तो सुन लो भैया एक्स्ट्रा बात, कभी भी इंटरनली से एक्सटर्नली का डिस्टेंस पूछे, है ना, तो मैं इसका डिस्टेंस, इसका नाम ए दे देता हूं, इसका बी दे देता हूं, ये ए भी एक रेखाखंड था जिसको पी बिंदु ने पी पे कट किया, क्यू बिंदु ने क्यू पे कट किया, एक ने 3:2 इंटरनली काटा, एक ने 3:2 एक्सटर्नली काटा, तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे, तो वो पी क्यू की जो लेंथ होती है बच्चे, है ना, जो पी क्यू की लेंथ होती है वो होती है, पी क्यू की लेंथ होती है कितनी सर जी, वो होती है 2mn/m²-n² इंटू में ए बी, यानी आप डायरेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली का रेशियो निकाल सकते हैं, ये किसी बुक में कोई फॉर्मूला मेंशन नहीं है, मैंने खुद ही बनाया था जब ये क्वेश्चन पेपर में आया था, उसको ऑब्जर्व करके कि भैया बच्चों का तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, है ना, तो मैंने खुद ही फॉर्मूला बनाया था बच्चों के लिए बनाकर कि भैया उनका टाइम ना लगे, तो कभी भी पी पॉइंट इंटरनली कट कर रहा है, क्यू पॉइंट एक्सटर्नली कट कर रहा है, रेशियो 3:2 है, तो आप इस फॉर्मूले से सिंपली कर सकते हैं, तो आपको इस फॉर्मूले में क्या क्या पता होना चाहिए, ये m और n क्या है, ये m और n है बेटे रेशियो, m:n है रेशियो जिसमें वो कट कर रहा है, किस रेशियो में कट कर रहा है, रेशियो में कट कर रहा है 3:2 में, ठीक है, यस सर जी, और ये AB क्या है, AB उस लाइन सेगमेंट की लेंथ है ना, जिसको वो जो था जिसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट थे, तो AB बना लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, AB निकाला, AB निकल के आया x2 - x1² -7 - 17 = 24² 576, ठीक है, x2 - x1² 5 में से 2 गए 7, 5 में से -2 गए 7 का स्क्वायर 49,
5679625 का अंडर रूट 25 आ गया। ठीक है, तो आपको ये दोनों चाहिए, यानी जो आपका इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है जिसको वो इंटरनली एक्सटर्नली कट कर रहा है, उसका डिस्टेंस चाहिए और रेशियो चाहिए जिसमें इंटरनली एक्सटर्नली कट कर रहा है। तो अब आपसे वो डिस्टेंस पूछे कि इंटरनली से एक्सटर्नली वाला ये रहा, तो वो डिस्टेंस पी क्यू अब आप एक लाइन में निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे, 2 mm, 2 mm, एम तीन है एन दो है, तो 3 × 6 × 12 2 mm अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 गए 5, ये हो गया 2 mm अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इन टू में ए बी, ए बी कितना है 25, 25 से 5 कटा कितने पर, 5 पर, 12 × 5 = 60। तो देखो जो चीज पहले हो ही नहीं रही थी वो कितनी जल्दी हो गई। तो इंटरनली से एक्सटर्नली का कभी भी डिस्टेंस पूछे सेम रेशियो का, आंसर इज 2 mm अपॉन एम स्क्वायर आई एन स्क्वायर इंटू ए बी। ये बहुत बड़ी खोज है, किसी को नहीं पता, बच्चे बहुत सारा टाइम खराब करते हैं इसके अंदर। ठीक है अमित कुमार, गजब, हाँ भैया गजब वाली बात है, और आपको बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करना है। तो ये आपकी लास्ट क्लास का कुछ एक चीज थी जो पता नहीं थी बच्चों को, अब वो पता लग गई आपको, है ना, 2 mm अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो अगर कभी भी आपको कोई रेखाखंड को इंटरनली कट करवा रहा है, एक्सटर्नली कट करवा रहा है और बोल रहा है इंटरनली से एक्सटर्नली की दूरी बताओ, तो ये नहीं कि पहले आप कहीं डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला लगा के इंटरनली प्राप्त कर रहे हैं फिर एक्सटर्नली प्राप्त कर रहे हैं, नहीं भैया आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे ऐसे। क्लियर है, बहुत बढ़िया है ना, और करोगे, एक और करना, देखते हैं कौन आंसर देगा, एक और कर लो, एक पॉइंट है भैया। ये लाइन सेगमेंट है और इसको क्या नाम है आपका 2:1 के में एक बार इंटरनली डिवाइड कर रहा है पी पॉइंट और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है क्यू पॉइंट, है ना। ये रेखाखंड है जिसको पी बिंदु अंदर की तरफ से 2:1 में कट कर रहा है और क्यू बिंदु बाहर की तरफ से 2:1 में कट कर रहा है, ये रेखाखंड है ए बी। तो कोई पी क्यू की लंबाई बताएगा, जो बता देगा बताइए जल्दी, सेम क्वेश्चन है। अरे रेशियो चेंज हो गया तो क्या फर्क पड़ता है विष्णु, आपको एम को ऊपर वाला लेना है, एन को नीचे वाला, आपको क्या फर्क पड़ रहा है, अलग अलग रेशियो दोनों पे थोड़ी करवाएगा, बेवकूफ थोड़ी ना है, फिर तो क्वेश्चन इतना बड़ा हो गया, वो कभी देगा ही नहीं, उसको देगा तो पूरी दुनिया वैसे ही करेगी। सबसे तेज आंसर देने वाले बच्चे हैं हमारे, उज्ज्वल चौधरी सबसे तेज, ये फॉर्मूला यूट्यूब पर पढ़ाते तो ये भी कॉपी पेस्ट हो जाता। हाँ भैया दीपक यादव गलत, सौरभ कुमार गौतम सही, विश्वास सिंह सही, अमित गलत, शिवम लोर गलत, नितिन कुमार गलत, 4 बच्चों ने सही दिया अभी तक आंसर, बाकी 5 बच्चों ने गलत दे दिया, और शिवम लोर गलत, अमित कुमार सही, दीपक यादव सही। अरे भाई डायरेक्ट लगाओ ना, क्या फॉर्मूला लिखवाया सर ने, इंटरनली और एक्सटर्नली के अगर 2 mm अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू में जो लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस है, तो एम ये रहा और एन ये रहा, ठीक है, ठीक है, एम 2 हो गया ये रहा, तो 2 × m कितना है 2, एन कितना है 1, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 4 में से 1 गए 3 आ गया, इन टू में ए बी, ए बी ये रहा 6 × 36 8 × 64, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा ना, 6 × 36 8 × 64, 36 और 64 100, 100 का अंडर रूट 10 आ गया, 10 × 40/3, ठीक है। तो अब आप बहुत स्पीड में आ गए, वरना आप पहले इंटरनली निकालते पहले बिंदु, है ना, mx2 + nx1 करके फिर एक्सटर्नली निकालते फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते, बहुत बहुत बेकार और बहुत लेंथी हो जाता है, ठीक है। चलिए, सो नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इन अवर न्यू जोन दिस इज कॉल्ड स्लोप। तो प्यारे बच्चों सीट एकदम शांत कर लीजिए, है ना, लिखने का समय मिलेगा, अभी आप पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ सामने देखने की कोशिश करिए ये स्लोप क्या है, है ना, ध्यान से देखिए, हेडिंग डाल लीजिए स्लोप, यहां से आपका स्ट्रेट लाइन शुरू हो गया, यानी
अभी आपने पहले दिन 2 घंटे की क्लास ली, दूसरे दिन भी 2 घंटे की क्लास ली, इस 4 घंटे में आपने पढ़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आपने देखा भी पीवाईक्यू कितने बढ़िया बढ़िया आते हैं और अब आप उसके ऊपर निपुण हो गए हो। अब आपको कोई घबराने की बात है नहीं, है ना। चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल आए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आए, कुछ भी आए, अब आप उसकी बैंड बजा दोगे क्योंकि आपके पास वो सारे हथियार है जितना भी चाहिए, है ना। तो जैसा कि हम लोग ऑफलाइन में एक क्लास शुरू करने से पहले एक क्लास में बेसिक्स पढ़ाते थे फिर चैप्टर शुरू करते थे, यहां तो हमारी भैया 2-2 घंटे की 2 क्लास हो गई है बेसिक्स की। अब हम लोग शुरू करेंगे और आधा घंटा आज का भी मान ले तो अब हम लोग शुरू करेंगे स्लोप, ठीक है। तो अलग तरीके से सीखने की कोशिश करना, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अपने आप को कनेक्ट करना, 11th क्लास की चीजें हैं, देखिए ध्यान से, ठीक है। स्लोप क्या होता है भाई, ध्यान से देखना, स्लोप स्लोप देखिए, स्लोप है क्या, ठीक है, ध्यान से देखने की कोशिश करना। पहली बात तो ये रेखाओं के लिए निकाला जाता है इसलिए इसको स्लोप बोलते हैं। तो इसकी अलग अलग तरीके की डेफिनेशन है, पहले इसकी तीनों डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग आगे की तरफ चलेंगे कि स्लोप होता क्या है। मैंने अपना ग्राफ बनाया, अब आपको ग्राफ का हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि ग्राफ आपको बहुत हेल्प करेगा चीजें सिखाने में, ठीक है भाई। मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, ये बनाया एक्स एक्सिस, ये बनाया वाई एक्सिस, ठीक है सर जी। मैंने एक लाइन बना दी, ये रही, ठीक है। इस लाइन के ऊपर कुछ पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया, धीरे इसके ऊपर 2 पॉइंट ले लिए, ये ले लिया, ये ले लिया, है ना, ठीक है। पॉइंट से पहले हमने एक काम किया, हमने बोला एक काम किया हमने, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस से घड़ी की विपरीत दिशा में एंगल बना रही है थीटा, ठीक है। ये वाली लाइन घड़ी की ये वाली लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से घड़ी की विपरीत दिशा में एंगल बना रही है थीटा। अब जरूरी थोड़ी ना है पॉजिटिव ही बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज भी बन सकता है, तो हमने बोला ये भी ठीक है। यहां से ये घड़ी ऐसे करके एंगल बना सकती है माइनस अल्फा, दोनों एंगल ठीक है। माइनस अल्फा क्यों, अल्फा के आगे माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि भैया ये एंगल क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा में बनाए गए कोण नेगेटिव होते हैं, घड़ी की दिशा में घड़ी की विपरीत दिशा में बनाए गए कोण पॉजिटिव होते हैं, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया गया, ठीक है, और क्लॉकवाइज नेगेटिव लिया गया, देख पा रहे हो आप। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, यस सर जी, ये घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत कैसे, यहां घड़ी में 3 बज रहे थे देखो, अब घड़ी में 1 बज रहे, घड़ी उल्टी चल रही है ना 3 से 1 की तरफ ऐसे, तो घड़ी के विपरीत वाले एंगल पॉजिटिव लिए जाते हैं, ठीक है। और घड़ी की दिशा वाले एंगल जैसे कि ये देखो 3 के बाद 6 बज गए 9 बज गए ऐसे करके घड़ी चल रही, घड़ी की दिशा में एंगल माइनस अल्फा लिए जाते हैं। तो एंगल जो नापे गए, आपने ध्यान दिया होगा एंगल नापने का जो तरीका है मेरा वो मैंने एक्स एक्सिस से लिया है, हाँ भैया। तो एंगल नापने के लिए चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज नापे घड़ी की विपरीत दिशा में या क्लॉकवाइज नापे, दोनों एंगलों को पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही नापा जाता है। तो स्लोप की पहली डेफिनेशन सुनिए, स्लोप होता क्या है, स्लोप को दर्शाने का तरीका अलग अलग तरीके से नाम दिया जाता है। स्लोप को वैसे मैथमेटिकली सिंबल एम बोला जाता है और इसका फॉर्मूला होता है टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, इट डजंट मैटर। रेखा द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बनाए गए कोण, चाहे वो घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में हो, उसके ऊपर यदि टैन लगा दिया जाए तो वो हमारा स्लोप कहलाता है। तो स्लोप की पहली डेफिनेशन सारे बच्चों को क्लियर, जल्दी बोलिए, ठीक है, बोलिए स्लोप की पहली डेफिनेशन सारे बच्चों को क्लियर। हाँ सर जी, क्या कि भैया अगर कोई भी लाइन हमारी एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा से चाहे क्लॉकवाइज बोले एंटी क्लॉकवाइज बोले कोई एंगल बना रही है तो उसको हम लोग टैन लगा दें उसके ऊपर तो हमारा स्लोप निकल जाता है। कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, सब चीजें सॉल्व, ठीक है, सब चीजों को कोई भी दिक्कत नहीं। दूसरी इसका एक एग्जांपल देखना चाहो, पहला तरीका तो ये था कि एंगल से निकालने का, एग्जांपल इसका ये भी देख लेते हैं। एग्जांपल देखा हमने, कहा एक काम करते हैं भाई, मान लीजिए ये वाली लाइन का स्लोप निकालना है, ये वाली लाइन यहां से मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ये वाली लाइन यहां से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। ये वाली लाइन यहां से कितना एंगल बना रही है, ये वाली लाइन यहां से बना रही है 330 डिग्री का,
लेकिन आगे माइनस भी लगाना पड़ेगा। माइनस क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज 330 क्यों लिया? क्योंकि पूरा चक्कर 360 का, 30 हो गया तो 330 बचा। तो चाहे आप 10:30 निकाल लें या 10:330 निकाल लें, माइनस का दोनों सेम ही निकलेगा। तो इस लाइन का स्लोप होगा 10 ऑफ 30 कितना भाई 1/√3, ठीक है, और 10 ऑफ -330 माइनस बाहर आ गया। 10 330 की वैल्यू 10 360 माइनस 30, 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर 1/√3। यानी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपका आंसर क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, आपका 10 लगाने से आपकी लाइन का स्लोप सेम ही निकल कर आएगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी से दो बातें यहां पर साइड में निकाल के लिख लेते हैं जो हमारे काम आएगी। क्या? अगर यार ये हमारा 10 लगाना पड़ता है एंगल पर और एंगल एक्स एक्सिस से बनता है, तो हम एक काम करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का स्लोप भी पढ़ लें। मैंने कहा ये बात भी ठीक है, तो हमने एक हेडिंग बना ली स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष की प्रवणता, ठीक है। फिर मैंने बना ली एक लाइन स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, वाई अक्ष की प्रवणता, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का अगर स्लोप निकालना है तो मैंने इसको एम एक्स लिख दिया। बताना स्लोप के लिए एंगल किससे नापते हैं? एक्स एक्सिस से, है ना। दोनों बार एंगल एक्स ही नापा गया, चाहे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो एंगल इससे नापते हैं और इसी का स्लोप निकाल रहे हैं। जिससे नापते हैं उसी का स्लोप निकाल रहे हैं, तो वो लाइन खुद से तो जीरो एंगल बनाएगी, और टेन जीरो की वैल्यू बोलिए जीरो, तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस जीरो होता है। आप सारे के सारे बच्चे याद रखेंगे। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस के बारे में बात कर लेते हैं। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस यानी ये रही वाई एक्सिस, इसका स्लोप निकालना है, एंगल इससे नापते हैं। तो इससे ये लाइन क्या एंगल बना रही है? 90 बना रही है। 10 90 की वैल्यू इनफाइनाइट, तो आप इसको इनफाइनाइट को अपनी मैथमेटिकल लैंग्वेज में 1/0 भी लिख सकते हैं या इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। बोलिए क्लियर, ठीक है, बोलिए क्लियर है। अरे भैया नेगेटिव नहीं आएगा, एंगल पॉजिटिव आएगा। आकाश यादव, नापने के ऊपर होता है, ये एंगल 330 है मैग्नीट्यूड में, लेकिन घड़ी की दिशा में चलें तो इसलिए माइनस लगा है। चुपचाप सुना करो चीजों को, ठीक है। क्लियर हो गई बात सर जी। तो हमें यह भी पता लग गया कि भैया एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का स्लोप पता लग गया। दूसरा तरीका स्लोप फाइंड करने का, दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका होता है व्हेन टू पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन, अरे भाई धीरे बोलो थोड़ा सा, व्हेन टू पॉइंट्स एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू आर गिवन ऑन द लाइन, एंगल देना बंद कर दिया। ये वाला कब निकालते थे? ये हम तब निकालते थे जब एंगल दे रखा होता था, है ना। ये वाला हम कब निकालते थे? व्हेन थीटा इज गिवन, जब थीटा या अल्फा दे रखा होता था, कोई दिक्कत नहीं है ना। व्हेन टू पॉइंट्स एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू ऑन द लाइन आर गिवन, व्हेन टू पॉइंट्स एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू ऑन द लाइन्स आर गिवन, जब दो बिंदु एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू लाइन्स पर दे रखे हो, तब स्लोप कैसे निकालेंगे? अब ध्यान से देखिए सारे के सारे बच्चे। अब आपको लाइन पर दो पॉइंट देने लग रहा है वो, है ना, और बोल रहा है स्लोप बताओ। एंगल देना बंद कर दिया, एंगल नहीं है इस बार आपको लाइन के ऊपर दो पॉइंट देने मांग रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, एक लाइन दे देगा, आपसे बोलेगा हाँ भैया इस वाली लाइन का स्लोप बताइए, लेकिन इसके ऊपर दो पॉइंट दे देगा लाइन के ऊपर। हमने कहा अब कैसे करेंगे, तो दिक्कत वाली बात हो गई। ये पॉइंट दे दिया एक्स वन वाई वन और ये पॉइंट दे दिया एक्स टू वाई टू। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, बस मैं बताऊंगा कैसे करना है, स्लोप कैसे निकाले। हमने कहा कोई बात नहीं, अगर मेरे को थीटा दे देता तो मैं क्वेश्चन कर लेता, टेन थीटा लगा देता बात हो जाती, पर थीटा तो दिया नहीं उसने। फिर मैंने एक काम किया, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर दी। क्या कंस्ट्रक्शन कर दी ये देखिए ध्यान से, मैंने यहां से लेके यहां तक ऐड कर दिया, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ऐड कर दिया इस चीज को। फायदा क्या हुआ इसको ऐड करने का, मैं बता रहा हूं, फायदा सुनिए इसको ऐड करने का। अगर मैं इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करता, बच्चे ध्यान से सुनना, इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करता और इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करता, तो यही हमारा पूरा फिगर बनता, यस सर जी। बट फायदा सुनिए अब इसका, ये क्या निकल कर आया, फायदा ये निकल कर आया क्या भाई, ठीक है, फायदा देखिए। ये वाला पॉइंट कोई पूछे तो ये वाला पॉइंट है x1, 0, ठीक है, x1, 0। ये वाला कोई पूछे तो ये है x2, 0, ठीक है सर जी। ये वाला कोई पॉइंट पूछे ये भी बता देंगे, हाँ सर जी। ये वाला पॉइंट कोई पॉइंट पूछे यहां पे x0 और y y1,
ये वाला कोई पॉइंट पूछा, ये है x0 और y2, तो मैंने तीनों एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो क्या कोई मुझे इतनी लेंथ बता सकता है? हाँ सर जी, ये डिस्टेंस x2 है, ये डिस्टेंस x1 है, तो ये डिस्टेंस है x2 माइनस x1, ठीक है। हाँ, कोई इतनी लेंथ बता सकता है? ये लेंथ कितनी है ये भी बता देगा। ये डिस्टेंस y2 है, ये डिस्टेंस y1 है, तो ये डिस्टेंस है y2 माइनस y1, यस सर जी, है ना। और ये एंगल थीटा, तो हमारा ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से ये एंगल भी थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो इस वाले ट्रायंगल में टेन थीटा लगाना, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यार ठीक है। तो फिर हमारी लाइन का स्लोप, जिसको हम एम, जिसको हम टेन थीटा कहते थे, वो निकल कर आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज वाई टू माइनस वाई वन, बेस इज एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यानी अगर लाइन पर कभी भी दो पॉइंट दे रखे हैं तो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन कहां से आया, वो आप लोगों ने देख लिया, है ना। बट आप लोग इतना याद रखेंगे, ये डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन सिर्फ समझाने के लिए कि चीजें कहां से निकल कर आती है ना। कहीं आप सोचो कि सर आपने तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिख दिया, आपने x2 माइनस x1 अपॉन y1 माइनस y2 माइनस y1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भैया सब कुछ आपके सामने है ना, रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। तो इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा लगाओगे, परपेंडिकुलर लंब आधा बेस, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमारा स्लोप निकल कर आ गया। कब? जब दो पॉइंट दे रखे हो, ठीक है सर जी। तो एंगल दे रखा हो तो उसके ऊपर टेन लगा दीजिए, स्लोप मिल जाता है, चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे क्लॉकवाइज हो। एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर पॉजिटिव, क्लॉकवाइज एंगल्स आर नेगेटिव, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। आंसर भी देख लिया, तीस या माइनस 330 से सेम ही एंगल आया। फिर एक्स एक्सिस का स्लोप याद रखेंगे जीरो, वाई एक्सिस का स्लोप याद रखेंगे वन अपॉन जीरो इनफाइनाइट, ठीक है। दूसरा, अगर लाइन पर दो पॉइंट दे दे तो भी हमको स्लोप निकालना आ गया, क्या सर जी? स्लोप हमारा निकल कर आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जिसको हम लोग tan थीटा एंगल से बोलते हैं, पॉइंट से ये बोलते हैं, नाम m देते हैं। इतनी चीज सारे बच्चों को क्लियर? जल्दी बोलिए, इतनी चीज सारे बच्चों को क्लियर? ठीक है। तीसरा तरीका देखिए, तीसरा होता है डेरिवेटिव मेथड ऑफ स्लोप। डेरिवेटिव मेथड ऑफ स्लोप, जिसको हम लोग टेंजेंट भी बोलते हैं। देखिए ध्यान से, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है सर जी, है ना। कोई कर्व बना लिया हम लोगों ने, ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई कर्व बना लिया हम लोगों ने, ये रहा y बराबर एफ एक्स, कोई कर्व बना लिया, है ना। कोई भी इक्वेशन हो सकती है, y बराबर एक्स क्यूब, y बराबर एक्स क्यूब, y बराबर साइन एक्स, कुछ भी हो सकता है। अब इस लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट है ना, इस कर्व के ऊपर बहुत सारे पॉइंट है, मैंने एक पॉइंट इसको स्टडी करने के लिए बोला, मान लीजिए ये, ठीक है। ये रहे, ठीक है। तो अब क्या ये टेंजेंट जा रही है, ठीक है, तो हमसे कह रहा स्लोप बताइए इसका। अगर इसके ऊपर एंगल होता तो हम स्लोप निकाल लेते किससे, टेन थीटा से, बहुत सिंपल। अगर इसके ऊपर दो पॉइंट होते, है ना, दो पॉइंट होते एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू, तो भी हम स्लोप निकाल लेते कैसे, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। लेकिन ये दोनों चीजें नहीं है इसके ऊपर, ना ही इसके ऊपर एंगल है, ना ही इसके ऊपर पॉइंट है। इसके ऊपर एक टेंजेंट है जो ये येलो कलर की जा रही है, और ये बता दे रही है कि ये टेंजेंट यहां पर इसको, ये टेंजेंट यहां पर इसको ए कॉमा बी पर कट कर रही है, ये कह रहा है ये टेंजेंट यहां पर इसको ए कॉमा बी पर कट कर रही है, तो भी स्लोप निकल जाता है, तो भी येलो वाली लाइन का स्लोप होगा, जो ये टेंजेंट थी हमारी लाइन जो टच करके जा रही है, टेंजेंट रेखाएं तो होती है, तो लाइन का स्लोप ही निकालना है,
वो हमारी कौन सी लाइन है, टेंजेंट लाइन है, ठीक है। तो हमारा जो स्लोप आएगा यहाँ पे टेंजेंट वाली लाइन का स्लोप आएगा, तो ना ही इसके ऊपर पॉइंट है दोनों, ना ही इसके ऊपर थीटा है, तो इसके ऊपर बस एक टेंजेंट टच करके जा रही है इसको, तो इसका स्लोप होता है आप कर्व का dy बाई डी एक्स कर दोगे और उसमें x की जगह a और y की जगह b रख दोगे, यानी जहां से वो टच करके जा रही है, ये लाइन यहां से टच करके जा रही है, ये सर्जी एरी, तो आप इस कर्व का dy बाई डी एक्स कर दोगे, x की जगह a और y की जगह b रख दोगे, तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बोली क्लियर? तो हमें स्लोप निकालने के तीन तरीके पता लग गए, तीनों एक साथ लिखे हुए हैं। थीटा पता है तो टेन लगा दीजिए, दो पॉइंट पता है तो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन कर दीजिए, और अगर कोई लाइन उस कर्व को टच करके जा रही है, उस वक्र को टच करके जा रही है, स्पर्श करके जा रही है, तो उसका उसको बिंदु भी दे रखे कहां पे टच करके जा रही है, तो आप डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, कर दिया सर जी, एक्स की जगह वो बिंदु रख देंगे जहां टच किया, वाई की जगह वो बिंदु रख देंगे, ये क्लियर। ओके सर जी, ये सारे बच्चों को क्लियर हो गए। नेक्स्ट, रेखा द्वारा एक्स तथा वाई एक्स से बनाए गए कोण, रेखा द्वारा एक्स तथा वाई एक्स से बनाए गए कोण, तो आपकी एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन एक्स तथा वाई एक्सिस से क्या एंगल बना रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये देखिए ध्यान से, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन एक्स तथा वाई एक्सिस से क्या एंगल बना रही है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना सारे के सारे। अब आप बोलोगे सर ये तो पढ़ा दिया आपने, पढ़ा दिया लेकिन इसका दूसरा रूप समझना है। मान लीजिए ये वाली लाइन एक्स एक्सिस से बना रही है थीटा एंगल, मान लेते हैं, तो आपको पता है इस वाली लाइन का एम इज इक्वल टू स्लोप होगा टेन थीटा, यस सर जी, है ना, इस वाली लाइन का स्लोप क्या होगा टेन थीटा, यस सर जी, और ये वाली लाइन वाई एक्सिस से क्या एंगल बनाएगी भाई, वाई एक्सिस से जो भी एंगल बनाएगी वो पाई बाई टू माइनस थीटा बनाएगी, तो यहां से मैंने जो थीटा की वैल्यू निकाल ली, थीटा की वैल्यू निकल कर आ गई टेन इनवर्स एम, यानी एक बात पता लग गई हम लोगों को, अगर कभी भी आपको एंगल आपके एंगल एक्स एक्सिस से निकालना है तो आपको क्या करना है, एंगल ऑफ अ लाइन विद एक्स एक्सिस, अगर आपको पता करना है आपकी रेखा एक्स एक्सिस से क्या कोण बना रही है, एंगल ऑफ अ लाइन विद एक्स एक्सिस अगर आपको पता करना है क्या एंगल बना रही है, तो वो होगा tan इनवर्स m, आप अपने स्लोप के ऊपर tan इनवर्स लगा देंगे, आपका एंगल पता लग जाएगा x एक्सिस से कितना बन रहा है, लेकिन एंगल ऑफ अ लाइन विद y एक्सिस, एंगल ऑफ अ लाइन विद y एक्सिस, आपकी लाइन y एक्सिस के साथ भी एंगल बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है भाई, क्यों नहीं बना सकती है, देखिए अगर वो लाइन x एक्सिस से बना रही है, x एक्सिस से एंगल बना रही है थीटा, तो y एक्सिस से पूरा एंगल कितना होता है x और y में 90, ये कितना बना रही है 90 माइनस थीटा, यस सर जी बात तो ठीक है ना, अगर x से थीटा बना रही है तो y से कितना बनाएगी 90 माइनस थीटा, क्योंकि x और y मिलके 90 बनाती हैं, तो एंगल ऑफ अ लाइन विद y एक्सिस हो गया पाई बाय 2 माइनस थीटा, यस थीटा की वैल्यू बोलिए टेन इनवर्स m हो गई, ठीक है, पाई बाय 2 माइनस थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स m हो गई, पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स m हो गया कॉट इनवर्स m, तो क्या आप लोग डायरेक्ट याद रख लेंगे, जल्दी बोलिए क्या आप लोग डायरेक्ट याद रख लेंगे कि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस से एंगल बनाने को बोलती है तो वो होता है टेन इनवर्स एम, उसके स्लोप के ऊपर टेन लगा दीजिए इनवर्स में, और कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस से एंगल बनाने को बोल रही है तो उसके स्लोप के ऊपर कॉट इनवर्स लगा दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपकी लाइन एक्स एक्सिस से कितना और वाई एक्सिस से कितना, जल्दी बोलिए ये कंसेप्ट भी क्लियर। तो आपने स्लोप निकालने के तीन तरीके सीख लिए, अगर एंगल दे रखा है तो उसके ऊपर टेन लगा दीजिए स्लोप मिल जाएगा, दो पॉइंट दे रखे हैं तो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन कर दीजिए मिल जाएगा, और तीसरा अगर लाइन किसी कर्व को टच करके जा रही है, टेंजेंट करके जा रही है, तो उसका डी वाई बाई डी एक्स करके जहां पे टच कर रही है ए कॉमा बी पे वो बिंदु एक्स की जगह ए वाई की जगह बी रख दीजिए, स्लोप प्रवणता मिल जाती है ना। दूसरी चीज हम लोगों ने यहाँ पे ये सीखी, अगर हमें स्लोप दे रखा है तो हम उस लाइन का एंगल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से निकाल सकते हैं, कैसे, अगर लाइन एक्स एक्सिस को लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल निकालना है तो आप अपने स्लोप के आगे टेन इनवर्स लगा देंगे तो एंगल एक्स एक्सिस से मिल जाएगा, अगर आप अपने स्लोप के आगे कॉट इनवर्स लगा देंगे
तो एंगल वाई एक्सिस से मिल जाएगा। बोलिए आसान। इंग्लिश की पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है, 1:30 बजे तक आ जाएगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस ही निकल, जब कर लोगे तभी तो कर पाओगे, डाउट से नहीं कर पाओगे आप, क्या फायदा फिर आपको। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए ठीक है। यस सर, इतना भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो मुझे बताना कोई जल्दी जल्दी से, कौन बताएगा कमेंट में, मान लीजिए फुर्ती में बताना। मान लीजिए ये वाली लाइन का स्लोप, इस वाली लाइन का स्लोप 1/√3 है, तो ये वाली लाइन x से कितना एंगल बना रही है और y से कितना एंगल बना रही है, जल्दी बताइए। ये वाली लाइन x से कितना एंगल बना रही है और y से कितना एंगल बना रही है, अगर इसका स्लोप 1/√3 है। तो अगर आपको इसका एंगल x एक्सिस से पता करना है तो उसके आगे tan इनवर्स लगा दो, tan इनवर्स 1/√3 30 डिग्री। अगर आपको इसका एंगल y से पता करना है तो उसके आगे cot इनवर्स लगा दो, cot इनवर्स 1/√3 30 डिग्री। समझ गए ना, टेन इनवर्स 1/√3 30 डिग्री और कॉट इनवर्स 1/√3 60 डिग्री। तो हम ये समझ गए कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, वाई एक्सिस से कितना बनाएगी। फुर्ती में हम लोग सीख गए चीज बनना। ठीक है, हाँ भाई, एक्स से 30, वाई से 60, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एक्स से निकालनी है तो उसके आगे टेन इनवर्स, वाई से निकालनी है तो उसके आगे कॉट इनवर्स। ठीक है, ठीक है भाई, चलो चलो ठीक है, देखो जो यस सर, इस क्वेश्चन से हमारे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं, तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को, अच्छा मुझे ये बताओ क्या क्वेश्चन लिखते हो या फिर बाद में पीडीएफ से लिखना है। अगर लिखते हो तो मैं क्वेश्चन देख के रुका करूंगा, अगर नहीं लिख रहे हो बाद में पीडीएफ से लिख लेते हो तो मैं क्वेश्चन देख के करना शुरू कर दूं। जल्दी से बताओ कैसे करते हो आप लोग। सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है, मैं बोलूंगा, इसे बोलने से बढ़िया कि इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दूं, है ना, आपका टाइम बच जाएगा। दूसरी चीज, इसको आप लोग क्या लिखने लग जाते हो या फिर आप बाद में पीडीएफ में से जगह छोड़ के लिख देते हो या कैसे करते हो, आप बता दो मेरे को।
अगर आप लिखते हो तो फिर मैं क्वेश्चन देके रुका करूंगा, नहीं लिखते हो तो फिर मैं क्वेश्चन देके शुरू हो जाऊंगा। जल्दी बताइए कैसे करते हो आप लोग। पीडीएफ में से लिख लेते हैं, बाद में भी लिख लेंगे, अभी पढ़ लेंगे, है ना? ठीक है, एक बच्चे कह रहे लिखते भी हैं, तो आपकी मर्जी है, बाद में से भी लिख लेना, सामने दिख ही रहा है क्वेश्चन तो, है ना, टाइम तो उतना ही लगेगा। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सॉल्यूशन के साथ साथ भी कुछ बच्चे लिख लेते हैं, लेकिन ध्यान दो, एक कर्व है वाई बराबर एम ई की पावर एम एक्स। अब आप बोलोगे सर हमें तो इसका फिगर ही बनाना नहीं आता, कैसे दिखता है? इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी फिगर की, कोई घबराने वाली बात है नहीं, इस क्वेश्चन में फिगर की जरूरत थी नहीं, ठीक है, इस क्वेश्चन में फिगर की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, इसमें जरूरत किसकी है? y इज इक्वल टू ए की एम ई मैक्स। तो सर आप क्यों बना रहे हो? बस मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि थोड़ी सी चीजें क्लियर हो पाए। अगर फिगर याद नहीं है तो कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा, फिगर धीरे धीरे याद कर लेने जो जो आएंगे। तो ये y बराबर e की पावर एम एक्स का ग्राफ है, y बराबर e की पावर एम एक्स का ग्राफ, m ग्रेटर देन जीरो का, यानी e की पावर x का ग्राफ है। देखना ध्यान से कौन सी प्रॉपर्टी से लेगा, और आप भी बोलोगे सर गजब समझ में आ गया एक एक चीज, ये ग्राफ बना दिया। सुनना ध्यान से, कह रहा है ये वाला कर्व y एक्सिस को P पॉइंट पर कट करता है। हाँ दिख भी रहा है, ये वाले कर्व ने y एक्सिस को P पॉइंट पर कट किया, ये रहा P पॉइंट, और उस P पॉइंट से स्लोप ऑफ टेंजेंट, एक टेंजेंट चली गई। लो भैया बना देते हैं, ये ठीक है, ये रहा भाई, ये रहा, उस पी पॉइंट से टेंजेंट चली गई, ये रही। अब ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर पी में अगर बिंदुओं की डिमांड करोगे कि सर पी के बिंदु क्या होंगे, वाई एक्सिस पे इतना तो हमें पता है, वाई एक्सिस पर एक्स तो होता नहीं है जीरो, वाई कुछ भी होगा वो मैंने वाई लिख दिया, है ना? तो जो P बिंदु होगा वाई एक्सिस पर उस पर एक्स तो होगा नहीं, लेकिन वाई कुछ भी हो सकता है, तो वाई एक्स वन वाई वन जो भी समझे कर लीजिए, ठीक है भैया। अब क्या कह रहा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस वाली लाइन का स्लोप पूछ रहा है, इस वाली लाइन का स्लोप। इसका एंगल एक्स एक्सिस से दे रखा है? नहीं। इसके ऊपर दो पॉइंट दे रखे हैं? नहीं। क्या ये किसी कर्व को टच करके जा रहा है वाई बराबर एफ एक्स? हाँ। तीसरे वाले से कर लेंगे। क्या पढ़ाया था सर आपने टेंजेंट? आपने पढ़ाया था स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी लाइन जो भी जो टच करके जा रही है उसका होता है dy by dx करके, जहां पे वो टच कर रही है वो पॉइंट रख दीजिए, है ना? तो इसका dy by dx करना पड़ेगा, m तो बाहर रहेगा, e की पावर mx का डेरिवेटिव e की पावर mx और mx का डेरिवेटिव m, ये आ गया एम स्क्वायर, है ना? और डेरिवेटिव करने के बाद ये भी बोला था कि डेरिवेटिव करके आएगा आप उसमें जहां पे वो टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये रहा, वो पॉइंट रख दीजिए। x का कितना रखना है? जीरो, और y तो पता नहीं है तो y को y रहने देते हैं, बट बाद में पता लगा कि भैया इसमें है ही नहीं वाई कहीं रखने को, तो केवल एक्स से रखने को, तो एक्स रख देते हैं, है ना? वाई तो है ही नहीं कहीं रखने को, एक्स से एक्स को जीरो रख देते हैं। एम इंटू जीरो, जीरो किसी की पावर जीरो, वन, वन इंटू एम स्क्वायर, एम स्क्वायर। लो भैया आपकी वाली लाइन का, आपकी जो ये लाइन है इसका स्लोप निकल कर आ गया एम स्क्वायर, जो आपकी टेंजेंट है। बहुत आसान, क्या किया इसका डीवाई बाई डी एक्स करा, पॉइंट रख दिया, पॉइंट में वाई तो था नहीं, लेकिन इक्वेशन में भी वाई था नहीं तो रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, स्लोप आ गया एम स्क्वायर। बोलिए सारे के सारे बच्चों को क्लियर? यस सर जी, बहुत सिंपल साधारण पी वाई क्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बना है, कह रहा है एंगल मेड बाय टेंजेंट विद वाई एक्सिस। आपकी ये वाली रेखा है, दिख रही है ये वाली रेखा? हाँ, ये वाली रेखा एक्स एक्सिस से क्या एंगल बढ़ाएगी वो आपने बताया था, जो भी स्लोप निकले उसके आगे टेन इनवर्स लगा दो, हमारा एंगल एक्स एक्सिस से निकल जाता है ना? बट उसने एक्स एक्सिस से तो पूछ ही नहीं रहा, वो किससे पूछ रहा है? आपकी वाली लाइन क्या एंगल बनाएगी वाई एक्सिस से, ये पूछ रहा है। तो y एक्सिस से क्या बताया था? जो भी स्लोप निकले उसके आगे कॉट इनवर्स लगा दो, तो आपका आंसर आ गया कॉट इनवर्स m स्क्वायर, है ना? तो कॉट इनवर्स m स्क्वायर इज द आंसर y एक्सिस के साथ। x एक्सिस से पूछता तो टेन इनवर्स m स्क्वायर, y एक्सिस से पूछता तो आंसर कॉट इनवर्स जो भी स्लोप है m स्क्वायर आ गया।
लेकिन कॉट इनवर्स पे तो यही आंसर है, वो वन प्लस एम स्क्वायर ए तो नहीं है, यानी बाकी के तीन आंसर है क्या सर जी? हाँ भैया, तो इन तीनों में से कौन सा है सर? देखिए भाई, इनवर्स की ना एक खास बात होती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, आप लोग ध्यान से देखेंगे, इनवर्स ट्रिगो की एक खास बात होती है, जब आपको पढ़ाऊंगा तब देखना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है? देखिए इधर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये रहा है ना, ये तीन ले लिया, ये चार ले लिया, ये पांच ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल क्या बनाया? ए बी सी, राइट एंगल डेट बी, बी पर राइट एंगल है, ठीक है, सी एंगल यहां लिख लिया, ए एंगल यहां लिख लिया। अब एक काम किया मैंने, यहां पे यहां से देखना, यहां एक ही एंगल से काम कर लो, इसी को थीटा मान लो, ए सी क्या कर रहे हो ना, किसी एक से कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, इसी को थीटा मान लिया आपने, एक काम किया साइन थीटा निकाला, साइन थीटा की वैल्यू निकल कर आ गई, साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई बेस बाय हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, टेन थीटा आ गया, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तीन बटे चार आ गया, ठीक है सर जी, क्लियर है? अगर आपको साइन थीटा दे रखा है तो आप कोसेक थीटा भी निकाल लेंगे, यस सर जी, साइन थीटा तीन बटा पांच, तो कोसेक थीटा हो गया पांच बटा तीन, कॉस थीटा चार बटा पांच, तो सेक थीटा हो गया पांच बटे चार, ठीक है, टेन थीटा तीन बटे चार हो गया, तो कॉट थीटा आ गया चार बटे तीन, ये सबके सब अलग है ना? हाँ सर जी अलग है, लेकिन इनमें एक खास बात है बच्चे, क्या खास बात है वो देखिए, मैंने एक काम किया, अगर आप भी देख पा रहे हो, मैंने इनके थीटा को बोला, थीटा तो सेम ही है ना भाई पूरे फिगर में, साइन थीटा अलग है, कॉसेक थीटा अलग है, वैल्यू तो अलग अलग आ रही है सबकी, लेकिन थीटा तो सेम है ना? हाँ सर जी, थीटा तो वही एक चल रहा है जो पहले चल रहा था, जब थीटा सेम है तो मैंने कहा एक काम करते हैं ना, यहां से सबका थीटा निकाल लेते हैं, तो थीटा बराबर हो गया, बोलना पहले वाले का थीटा कितना हो गया? साइन इनवर्स तीन बटा पांच, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस वाले का थीटा बोलना कॉस इनवर्स चार बटे पांच। सर आप बराबर क्यों लिख रहे हो इनको? अरे भाई थीटा तो बराबर है ही थीटा के, थीटा को थीटा के बराबर तो लिखूंगा ही, यहां से निकला साइन इनवर्स तीन बटा पांच, कॉस इनवर्स चार बटा पांच, थीटा थीटा के बराबर, यहां से बोलिए थीटा टेन इनवर्स तीन बटा चार, ठीक है, यहां से बोलिए थीटा कॉसेक इनवर्स पांच बटा तीन, यहां से बोलिए थीटा सेक इनवर्स पांच बटे चार, और वहां से बोलिए थीटा कॉट इनवर्स चार बटा तीन, तो ये हमारे सारे थीटा निकल कर आ गए, ठीक है, ये हमारे सारे थीटा निकल के आ गए, बताना क्या सारे के सारे थीटा, सारे के सारे जो ये थीटा निकले इक्वल होते हैं? हाँ सर जी, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक खास बात होती है, जितने भी ये इनवर्स में लिखे हुए हैं सबके सब इक्वल होते हैं, तो कभी कभी पता है क्या इनवर्स ट्रिगो भेष बदल कर आ जाती है, भेष बदल के कैसे? मान लीजिए आपका आंसर निकला कॉट इनवर्स चार बटा तीन, और ऑप्शन में कोई आंसर कॉट में है ही नहीं, क्यों? क्योंकि कॉट इनवर्स चार बटा तीन को आप टेन में भी लिख सकते हैं, कॉस में भी, साइन में भी, तो ऑप्शन में जिसमें होगा उसमें लिख देंगे, तो इनवर्स में अपने एक आंसर को आप बाकी पांचों की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये बहुत आसान होता है, तो हमारे साथ भी वही हुआ, जब हम यहां पहुंचे तो हमारा आंसर आया कॉट इनवर्स एम स्क्वायर, लेकिन कॉट इनवर्स से तो वन अपॉन एम स्क्वायर था, तो कट किया, इन तीनों में से कोई एक आंसर है, अब हम कैसे पहचाने? तो हमें बोला कि सर ने इनवर्स में भाई सब छह के छह बराबर होते हैं, तो बहुत आसान सा तरीका है पहचानने का, क्या? कॉट इनवर्स एम स्क्वायर को थीटा मान लेते हैं, कॉट वहां चला गया, कॉट थीटा की वैल्यू बोलिए कितनी आ गई? एम स्क्वायर आ गई, है ना, तो जल्दी से कॉट थीटा की वैल्यू एम स्क्वायर आ गई, तो टेन थीटा की वैल्यू बोलिए वन अपॉन एम स्क्वायर आ गई, तो जल्दी से राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, यहां पर थीटा लगाया, टेन थीटा की वैल्यू बोलिए वन अपॉन एम स्क्वायर, टेन थीटा ये तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस निकाल देंगे, हाइपोटेनियस क्या होता है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो एम स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा एम की पावर चार, इसका स्क्वायर आ जाएगा वन का स्क्वायर, ये रहा। अब आप इसमें से चेक कर सकते हैं, जो भी आंसर ट्रायंगल से होगा वही आंसर ठीक माना जाएगा, तो इसका टेन बोल रहा है एम स्क्वायर है, नहीं भैया इसका टेन तो वन अपॉन एम स्क्वायर है, तो ये आंसर भी गलत है, कॉट तो वैसे ही गलत है, क्योंकि कॉट तो एम स्क्वायर निकला था, वन प्लस एम स्क्वायर कैसे कह रहा है? कह रहा है इसका साइन वन अपॉन दिस होगा, तो साइन थीटा बोलना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर, हाँ भैया सी सही है, डी डी गलत है, कह रहा है इसका सेक ये होगा, इसका कॉस होगा दिस अपॉन दिस, तो सेक दिस बाय दिस होगा, दिस बाय दिस, तो एम स्क्वायर है ही नहीं नीचे, गलत है,
द राइट आंसर इज साइन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम की पावर चार। बोलिए भाई सारे के सारे बच्चों को चीजें क्लियर। तो देखो कैसे मैथ को कनेक्ट करके पूछता है, कितना घुमाता है चीजों को, है ना। तो बेसिक सी बात थी, एक स्ट्रेट लाइन का हमें स्लोप पूछा गया जो कि निकल के आया एम स्क्वायर। क्या किया हमने, डीवाई बाई डी एक्स कर दिया और वो पॉइंट पर रख के खत्म कर दिया। फिगर नहीं भी पता होती तो इतना तो पता, कभी भी कर्व वाई एक्स इसको टच करेगा तो एक्स तो जीरो होगा, तो इस कर्व का डीवाई बाई डी एक्स करके एक्स को जीरो रखना था, वही किया। फिगर मत बनाओ, फिगर की कोई जरूरत नहीं है, है ना। और उसके बाद ये पूछ रहा था ये एंगल क्या बनाएगा वाई एक्सिस से, हमें सर ने वो भी सिखा दिया। क्या सिखाया कि कर्व द्वारा बनाए गए कोण एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस से बनाता है कर्व टेन इनवर्स एम, वाई एक्सिस से बनाता है कर्व कॉट इनवर्स एम अगर उस लाइन का स्लोप एम है तो, है ना। वो हमें सर ने डायरेक्ट बता दिया, अगर लाइन का स्लोप एम है तो एक्स एक्सिस से टेन इनवर्स एम और वाई एक्सिस से कॉट इनवर्स एम। तो उससे भी हम लोगों ने बराबर बराबर चीजों को कर लिया। बोली क्लियर? हाँ भाई चीजें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल डीपम डीप, जल्दी बोलिए। एक एक बात को आसान तरीके से बताया जा रहा है, इतना लिखवाया जा रहा है, एक एक चीज कनेक्ट करें, जबरदस्ती ना हो। चलो ठीक है, यस। तो भैया हमें स्लोप की सर ने पूरी कमांड सिखा दी कि स्लोप किस सिस्टम की तरह चल लिया करे, है ना, और कैसे कैसे करा करे भाई काम, सर ने सारा बता दिया। तो ये निचोड़ है स्लोप का सारा और ये तीनों बातों का निचोड़ एक जगह। एंगल से निकालना है तो टेन थीटा, पॉइंटों से निकालना है तो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, डेरिवेटिव से निकालना है तो ये रहा। ठीक है, मेरा सही है गुरुदेव, बहुत बढ़िया भाई, सही होना चाहिए आप लोगों का। चलो ठीक है, चलिए भैया हेडिंग ले लेते हैं केसेस ऑफ स्लोप, है ना। स्लोप मतलब प्रवणताओं के कुछ केसेस पढ़ेंगे हम लोग इसमें, कौन कौन से केसेस ऑफ स्लोप्स क्या क्या आते हैं इसके अंदर ध्यान से देखेंगे। पहली चीज व्हेन लाइंस आर पैरेलल, जब रेखाएं समांतर हो, है ना। व्हेन लाइंस आर पैरेलल, जब रेखाएं समांतर हो, तो इसमें स्लोप का क्या योगदान है हमने कहा, देखते हैं भाई क्या योगदान होगा। जब लाइंस पैरेलल होंगी तब स्लोप क्या भूमिका अदा करेगा। When lines are parallel, जब रेखाएं समांतर हो, ठीक है, तो एक लाइन यहां से खींच दी, एक लाइन यहां से खींच दी, ठीक है। When lines are parallel, इस वाली लाइन का स्लोप M1 ले लिया, इस वाली लाइन का स्लोप M2 ले लिया, लाइंस पैरेलल हैं, पता ना, लाइंस अगर पैरेलल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, हाँ भैया, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं। और अगर एंगल सेम है तो टेन थीटा सेम आएगा, टेन थीटा सेम है तो दोनों लाइंस का स्लोप भी सेम आएगा। तो हम ये कह सकते हैं अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप, उनकी प्रवणता बराबर होती है। बोलो आर यू गेटिंग माय पॉइंट।
ठीक है, अगर लाइन पैरेलल होती है तो उनकी प्रवणता, उनके स्लोप इक्वल होते हैं। स्लोप ने दम तोड़ दिया गुरुजी, सर एक शायरी क्लास के एंड में सुनाएंगे, अभी नहीं। ठीक है चले, देखो ध्यान से, दो लाइंस अगर पैरेलल होती है तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, ये बात तो पता लगी, क्योंकि दोनों के एंगल सेम है, एंगल सेम है तो टेन थीटा सेम है, टेन थीटा कोई स्लोप बोलते हैं तो टेन थीटा बराबर टेन थीटा, यानी एम वन बराबर एम टू। लेकिन ये कंसेप्ट पैरेलल से ज्यादा पता किस कंसेप्ट में लग जाता है, ये कंसेप्ट पैरेलल से ज्यादा लग जाता है बच्चे किस कंसेप्ट के अंदर सर जी, कोलिनियर के अंदर, और कोलिनियर के अंदर ये बड़े स्तर पर लगता है, तो कोलिनियर के अंदर ये कंसेप्ट लगता है। तो एक चीज और कि दिस कंसेप्ट इज वैलिड इन कोलिनियर, तो कोलिनियर पॉइंट्स के लिए काम करता है। सर आपने तो पढ़ाया था कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया जीरो होता है, हाँ भैया, लेकिन एक और आसान अप्रोच है, ये देखिए कोलिनियर पॉइंट्स को आप इसी के बारे में कंसीडर कैसे कर सकते हैं, ये देखिए मान लीजिए एक लाइन है, कोलिनियर होता है क्या, एक लाइन पर आने वाले बिंदु, एक बिंदु यहां आ गया, एक बिंदु यहां आ गया, एक बिंदु यहां आ गया, ठीक है, तो पॉइंट एबीसी अगर कोलिनियर है तो ए बिंदु आ गया एक्स वन वाई वन, बिंदु आ गया एक्स टू वाई टू, सी बिंदु आ गया एक्स थ्री वाई थ्री। अगर ये पॉइंट कोलिनियर है, ये संरेखीय है, तो ये बताना ये एक ही लाइन के हिस्से हैं, हाँ सर जी, तो जितना एंगल ए बी बना रही होगी एक्स एक्सिस से, है ना, जितना एंगल ए बी बना रही होगी एक्स एक्सिस से उतना ही एंगल बाकी के पॉइंट्स भी बना रहे होंगे, मतलब जितना एंगल एक्स एक्सिस से ए बी बना रही है उतना एंगल बी सी बना रही है, उतना एंगल ए सी बना रही है, हाँ सर जी। तो कोलिनियर पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी बराबर ए बी का स्लोप, स्लोप ऑफ बी सी, क्योंकि बी सी खुद ए बी का एक हिस्सा है ना, और स्लोप ऑफ ए सी, ए सी के बराबर, यस सर जी। तो कोलिनियर पॉइंट से हम ये लिख सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा जब क्वेश्चन आएगा पेपर में, आप उसको ट्रायंगल वाले की करने की बजाय इससे कर लेंगे और खूब पेपर में आता है ये क्वेश्चन कि अगर ये तीन पॉइंट कोलिनियर है तो के का मान बताइए, ये बताइए, वो बताइए। तो क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ये रहा क्वेश्चन है, इफ पॉइंट दो माइनस तीन, ठीक है, पॉइंट्स टू माइनस थ्री, थ्री माइनस सेवन एंड एच कॉमा थ्री आर कोलिनियर, फाइंड एच। अब बच्चे क्या करते हैं, ट्राइंगल बना के कर रहे हैं। अगर ये तीनों बिंदु समरेखिक हैं तो एच का मान बताइए, बनते ट्राइंगल बना के कर रहे हैं। नहीं भैया, आपको एक लाइन में करना है, क्या आपको पता है इतने का स्लोप, इतने का स्लोप और इतने का स्लोप, तीनों का स्लोप सेम है, तो ये काम करिए पहले जिसमें h यानी जिसको आपसे पूछ रहा वो नहीं आता उसका स्लोप निकाल लो, इन दोनों में तो h नहीं आता स्लोप निकाल लेते हैं, y2 टू माइनस वाई वन, माइनस सात में से माइनस के माइनस तीन गए, माइनस का चार आ गया, ठीक है, और x2 टू माइनस एक्स वन, तीन में से दो गए एक आ गया, बराबर इसका स्लोप निकाल लिया, हाँ सर जी, क्योंकि इसमें हमारा h नहीं है। उसके बाद h का स्लोप चाहे इसके साथ निकालो या उसके साथ निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर रख दीजिए, तो इसके साथ ही निकाल लेते हैं, वाई टू माइनस वाई वन, तीन में से माइनस के माइनस सात गए दस आ गया, x2 टू माइनस एक्स वन, ये h माइनस थ्री आ गया, ठीक है, h माइनस थ्री यहाँ गया, दस बटे माइनस चार हो गया, माइनस पांच बटे दो, तीन वहां चला गया, तीन दूनी छह, छह में से पांच गए एक बटा दो, तो h की वैल्यू आ गई आधी। बोलो क्लियर। तो कोलिनियर पॉइंट्स कभी भी आएंगे आप एक दो दूसरी लाइन में आंसर आओगे, ट्राइंगल का डिटरमिनेंट जीरो के बराबर रख के नहीं करोगे, क्योंकि वो तो उससे भी जाना है, लेकिन दिस विल बी द सिंपलेस्ट प्रोसेस एवर। तो सी की हमारी एच की वैल्यू एक बटा दो आ जाएगी, हमने एक बार स्लोप वो निकाल दिया जिसमें एच नहीं है, और एक बार वो स्लोप निकाल दिया जिसमें एच आ रहा है, चाहे उसका इसके साथ निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो लिखा है, चाहे उसका इसके साथ निकालो चाहे उसका इसके साथ निकालो, इसके बराबर रखो, क्योंकि लाइन के कोलिनियर पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स एक ही लाइन पर आते हैं, तो इस वाले कंसेप्ट को फॉलो करते हैं पैरेलल वाले को। बोलो सारे के सारे बच्चों को क्लियर। ठीक है,
चलो सर जी, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। दूसरा, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, जब रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं तब क्या कहानी है। मैंने कहा ये भी ठीक है। अब हमने एक काम किया, एक लाइन ये ड्रॉ करी, ठीक है, एक लाइन ये ड्रॉ करी और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ना, और मैंने इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। When two lines are perpendicular, जब रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती है। When two lines are perpendicular, ये देखो, ये वाली लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है ना, तो इस व्हाइट वाले की तो जरूरत ही नहीं थी, व्हाइट वाला क्यों बनाया, ठीक है। तो इनके स्लोप के बीच में संबंध पूछ रहा है क्या होगा। मान लीजिए इस वाली लाइन का स्लोप ले लिया एम वन, इस वाली लाइन का स्लोप ले लिया एम टू, और ये 90 डिग्री, दोनों लाइन 90 पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो अगर कभी भी दो लाइन 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका M1 M2 इज इक्वल टू माइनस वन होता है। M1 इंटू M2 बराबर माइनस वन होता है, ऑफलाइन से भी बेहतर है। अच्छा, बिल्कुल डीपम डीप, अरे क्या बात है। तो अगर कभी भी दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री टकरा रही होती है 90 डिग्री पर, तो M1 M2 इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। दिव्यांशु आप देख सकते हो क्लास को बाद में ही बच्चे, ठीक है। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पर टकरा रही होती है, तो M1 M2 कितने के बराबर होता है बच्चे, माइनस वन के बराबर। इसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन जो पेपरों में आती है ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के ऊपर आप सबसे पहले तो लगाए स्टार, क्योंकि ये स्टार से भरपूर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आपका चाहे एनडीए हो, एयरफोर्स हो, ठीक है, दोनों एग्जाम्स के अंदर ये देखा गया है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर दिस दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अच्छा, क्या कह रहा है, अगर किसी वृत्त के व्यास के अंत बिंदु दे रखे हैं तो वृत्त का समीकरण बताइए। सर ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ऐसी क्या बात है इसके अंदर, देखिए भाई ध्यान से। और इसको आपने 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टी के बाद क्यों पढ़ाया, मैंने कहा देखो देखो शांत रहो भाई, समझो पहले, है ना। अब एक स्फीयर नहीं, सर्कल, अब एक सर्कल बनाते हैं, ये एक सर्कल बना दिया, यस सर जी, यस सर जी। अब सर्कल का एक डायमीटर कहीं ना कहीं तो बनाना पड़ेगा, जैसा भी आपका मन करे, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, टेढ़ा बनाओ, तिरछा बनाओ, जो मन करे बनाओ, कहीं ना कहीं कोई डायमीटर बनाना पड़ेगा। लीजिए मैंने एक डायमीटर बना दिया, ठीक है, हाँ सर जी, मैंने एक डायमीटर बना दिया, ठीक है सर जी, सर्कल का डायमीटर बन गया। इसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं, व्यास के अंत बिंदु, ये रहा, ये दे रखा है x1 y1 और ये दे रखा है x2 y2, ये दे रखा है x1 y1 और वो दे रखा है x2 y2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त का समीकरण बताइए, बस इतना दे रखा है, यानी वृत्त के व्यास के अंत बिंदु देकर, ठीक है, ठीक है, वृत्त के व्यास के डायमीटर के, सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट देकर हमसे कह रहा है कि भैया बताइए बताइए सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। अब सर्कल की इक्वेशन के लिए सर्कल पे तो एक पॉइंट लेना पड़ेगा, तो मैंने एक काम किया, सर्कल पे कहीं पर भी आप चाहे कहीं पर भी एक पॉइंट ले लीजिए, यहां पे एक पॉइंट ले लिया, मैंने इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, मैंने इसको यहां से ज्वाइन कर दिया। सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लेने की बात हुई थी, तो जो इक्वेशन में एक्स वाई होते हैं, ये वाले एक्स वाई दिख रहे हैं आपको, एक्स और वाई, हाँ, तो ये सर्कल के ऊपर पॉइंट ले लिया जो सर्कल की इक्वेशन को बताएगा, ये एक्स वाई ले लिया, ठीक है। अब चले जाइए छोटी सी क्लास में जो आपकी नाइन्थ क्लास थी, आप मुझे ये बताइए जो ये डायमीटर व्यास होता है व्हाइट कलर का, डायमीटर है व्यास है, क्या ये सर्कल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। हाँ सर जी, सर्कल का डायमीटर आधा सर्कल ऊपर आधा सर्कल नीचे होता है, तो क्या मुझे बताइए जो आधा सर्कल ऊपर है आधा नीचे, ये बराबर सर्कल है, हाँ, और इनको क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। ये अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है, तो आपने नाइन्थ क्लास में क्या पढ़ा था कि अर्धवृत्त में बने हुए कोण, चाहे कोई सा भी कोण बना लीजिए, 90 डिग्री के होते हैं, क्या सारे बच्चों को याद है, जल्दी कमेंट करके बताइए। एनी एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री, अर्धवृत्त में बने हुए कोण 90 डिग्री के होते हैं, अरे वाह, चाहे मैं नीचे बनाता सर वो भी 90 बनता, हाँ सर मैं अगर इधर बनाता इससे तो भी 90 बनता, हाँ उधर बनाता सर इससे तो भी 90 बनता, हाँ भैया, एनी एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री, अर्धवृत्त में बने हुए कोण 90 डिग्री के होते हैं। और जैसे उसने 90 डिग्री बोला, हमारा ये वाला कंसेप्ट राजी हो गया, हमको पता लग गया
कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है। मैंने काम किया, इस वाली लाइन का स्लोप m1 ले लिया, इस वाली लाइन का स्लोप m2 ले लिया और जल्दी से m1 m2 की डिमांड करी। m1 इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट है, दो पॉइंट है, स्लोप निकल जाएगा, हाँ y2 माइनस y1 कर दिया अपॉन x2 माइनस x1, ये भी कर दिया। इस वाली लाइन के ऊपर भी दो पॉइंट है, हाँ सर जी कर दिया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये भी कर दिया। ठीक है सर जी, तो मैंने इन दोनों लाइनों का स्लोप निकाल लिया है ना, m1 और m2 वाली का। बट ये लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो m1 m2 बराबर बोलिए माइनस वन, आपको सबको पता है m1 m2 कितने के बराबर, माइनस वन के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1, m1 की वैल्यू है y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m2, m2 की वैल्यू है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू कितने के, माइनस वन के। इन दोनों की मल्टीप्लाई उधर जाके माइनस, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया y माइनस y2 इंटू में y माइनस y1, ठीक है, उधर जाके x माइनस x1, x माइनस x2 माइनस के हो गए, तो माइनस का इधर आके प्लस का हो गया। तो ये हो गया x माइनस x1 प्लस इंटू में x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 बराबर जीरो। तो ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसको अब लोग, आप लोग याद रखेंगे। बेशक ये अभी तक क्वेश्चन था लेकिन अब आप सारे के सारे बच्चे इसको याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, अगर आपको कभी भी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट दे दे तो उसकी इक्वेशन होती है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। आई कहां से, वो मैंने बता दी, लेकिन आज के बाद आप सारे के सारे बच्चे इसको याद रखेंगे। जल्दी बोलिए, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, सभी बच्चों को क्लियर एकदम बहुत स्पष्ट तरीके से, एक एक बात क्लियर। हाँ, रखेंगे याद बिल्कुल से भी, प्रिंस कुमार, अमित कुमार, नितिन चौधरी, प्रियांशु राठी, ठीक है, सारे के सारे बच्चों को। ठीक है, हाँ, बट अब इसको एक फैक्ट बना के याद रख लेते हैं। कैसे याद रख लेते हैं, और दोनों तरीके से याद रखते हैं, दोनों से फैक्ट, फैक्ट को दोनों तरीके से याद रखते हैं। अगर कभी भी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट दे दे सर्कल की इक्वेशन बनाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी हमको, वो सर जी याद है क्या है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू जीरो। यस सर जी, यस सर, है ना, इतनी चीज हम लोगों को याद है। दूसरी उल्टा भी याद आना चाहिए, उल्टा कैसे सर जी, अगर आपको, अगर आपको सर्कल की इक्वेशन दे दें, अच्छा मुझे बताइए क्या इसके सेंटर भी बता दोगे, हाँ सर जी, मिड पॉइंट फॉर्मूला से, मध्य बिंदु फॉर्मूला से सेंटर निकाल देंगे, क्योंकि वन इज टू वन में सेंटर डिवाइड करता है इनको, तो ये आ जाएंगे एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू और वाई वन प्लस वाई टू बाय टू। यस सर जी, तो सेंटर भी हम लोग निकाल सकते हैं, इक्वेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरे वाले केस में इसमें उल्टा गिवन है क्या, अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दे, इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दे क्या है, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दे, ठीक है,
ठीक है, तो आप क्या क्या निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्या आएंगे, सेंटर ऑफ सर्कल एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, ये पेपर में आ रखा है क्वेश्चन इस बार भी। यहां से एक्स वन उठाएंगे, यहां से एक्स टू, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, ठीक है नितिन चौधरी क्लियर बेटा, आप ध्यान से देख लो सारे के सारे। हाँ भाई ठीक है, क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया है ना। तो क्या क्वेश्चन आया था सर, ऐसे आया था पेपर में, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स माइनस टू पी एक्स माइनस टू क्यू वाई माइनस टू ए y माइनस, ठीक है ये रहा सर जी, क्या निकालना है आपको यहां से, सेंटर ऑफ सर्कल, तो वो तो पहचान जाएंगे हम, x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू, ये रहा x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू, सेंटर क्या है x1 वन प्लस एक्स टू बाई टू, तो कर लो भैया x1 ये रहा x2 ये रहा, बाय टू कर दोगे तो p प्लस क्यू आ जाएगा। दूसरा ये y1 है y2 है, y1 प्लस y2 by 2, तो y1 ये रहा y2 ये रहा 2a प्लस 2b by 2 ये रहा, सेंटर मिल गए हमें। ठीक है बोलिए सबको क्लियर, तो ये पेपर में आया था इस बार एनडीए के पेपर में, कि अगर ये सर्कल की इक्वेशन है तो सेंटर ये रहे भैया, है ना, आसानी से पहचान लेंगे। तो हमें जहां जहां पे कनेक्शन चीजों का समझ में आ रहा है हम पूरा कनेक्शन लेके चलेंगे। देखो तो गाड़ी कहां से शुरू हुई थी, लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं, वहां से गाड़ी यहां पहुंच गई, यहां से एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बना, उस स्टैंडर्ड रिजल्ट से हमने रिजल्ट बना लिया, उसका ये रिजल्ट भी पड़ा और उसका ये रिजल्ट भी पड़ा, दोनों को कनेक्ट करके बना लिया। बेटा ऑर्थो सेंटर के बारे में जब ऑर्थो सेंटर आएगा सबको पढ़ेंगे, एक एक को पढ़ाने का नहीं, प्रिंस कुमार और, है ना, ऐसे आप नहीं बोलोगे कि ऑर्थो सेंटर, उसका एक रास्ता है, ठीक है, ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पे 90 डिग्री बनता है वही वाला वर्टेक्स होता है, बट अब अभी शांत रहिए, वहीं पे समझाएंगे आपको हर एक चीज, एक एक को आने दो, सेंट्रोइड भी समझाएंगे, इन सेंटर भी, ऑर्थो सेंटर भी, सर्कम सेंटर भी, सब, ठीक है। ठीक है चलिए सर जी, बहुत अच्छी बात, ये दोनों चीजें तो हमें अच्छे से समझ में आ गई, बहुत बढ़िया से हेडिंग लिखी है नेक्स्ट, एंगल बिटवीन टू लाइंस, और इसके लिए ना कुछ दो तीन चीजें मुझे आपको पढ़ानी पड़ेंगी, आप देखिए एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच का कोण, एनसी एनडी क्या नाम है एनसीईआरटी के अंदर इसका अच्छा खासा वेटेज है, क्वेश्चन खूब आते हैं इससे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपको पढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, थीटा है ना टेन थीटा, तीस जीरो डिग्री जिसको रेडियन में जीरो बोलते हैं, पंद्रह डिग्री जिसको रेडियन में तीस का आधा पाई बाय छह बोलते हैं,
22.5 डिग्री जिसको रेडियन में पाई बाय 8 बोलते हैं, ठीक है। 30 डिग्री जिसको पाई बाय 6 बोलते हैं। 30 के बाद 45 डिग्री जिसको पाई बाय 4 बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, 45 के बाद 60 डिग्री, इसको पाई बाय 3 बोलते हैं। 60 के बाद बच्चे 67.5 डिग्री जिसको 3 पाई बाय 8 बोलते हैं, ठीक है। 67 के बाद 75 डिग्री जिसको हम लोग 5 पाई बाय 12 बोलते हैं, और 75 के बाद 90 डिग्री जिसको हम लोग पाई बाय 2 बोलते हैं। तो ये मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं। फायदा क्या है इनका, इनकी वैल्यूज आप लोग ना याद रखोगे और ये लिखोगे अभी कॉपी में। टेन जीरो बोलिए जीरो, टेन 15 डिग्री 2 माइनस रूट 3, टेन 22.5 √2 - 1, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3, टेन 67.5 √2 + 1, टेन 75 2 + √3, और टेन 90 इनफाइनाइट। पहले तो जल्दी से टेबल बना लो, ये टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है, ये टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। कोई पूछे, हाँ भाई, टेन 30 तो 1/√3 है ना, और जो इसमें याद करने वाले हैं ये तो आप लोग जानते ही थे, जिनके ऊपर मैं ग्रीन कलर का बना रहा हूं वो तो आप लोग जानते ही थे। टेन जीरो को तो जानते ही थे, टेन जीरो जीरो, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3 ये भी जानते थे, और टेन 90 इनफाइनाइट ये भी जानते थे। तो जो अभी याद करने वाले बने हैं वो रेड के आगे लिख रहा हूं, क्या टेन 15 की वैल्यू याद करनी है, टेन 22.5 की वैल्यू याद करनी है, टेन 67.5 की, और टेन 75 की, यानी 4 वैल्यू याद करनी है ना। और बहुत आसान है याद करना, कैसे देखो मैं कराता हूं। 15 के साथ 15 के दोस्त 75 को रख लेते हैं, क्योंकि 75 और 15 90 होता है, तो टेन 15 2 - √3, तो टेन 75 2 + √3, कितना आसान है। 15 में छोटा है तो माइनस, बड़ा है तो प्लस, ठीक है। 22.5 का दोस्त होता है, 22.5 का दोस्त होता है 67.5, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो इसको याद कर लेते हैं, 22.5 छोटा है तो √2 - 1, 67.5 बड़ा है तो √2 + 1। बोलो सारे के सारे बच्चों को क्लियर, याद भी हो गई। रेड वाली याद करनी है, बाकी ग्रीन वाली आपको याद थी, है ना। तो मेरे साथ बोलिए, टेन 15 की वैल्यू कितनी हो गई बर्जी, है ना, टेन 15 की वैल्यू हो गई सर जी 2 - √3, ठीक है। टेन 75 की कितनी हो गई, 15 तो 75 का दोस्त है तो 2 + √3। टेन 22.5 की कितनी हो गई, 22.5 की हो गई सर जी √2 - 1, है ना, और 22.5 का दोस्त कौन है, 67.5, उसकी कितनी होगी √2 + 1। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए सारे के सारे बच्चों को क्लियर। बोलिए, याद भी हो गई सब बच्चों को, याद भी हो गई तो कमेंट करिए। याद ही है सर ये, फिर भी मान के चलिए याद नहीं है तो याद कर लीजिए, याद है तो बहुत अच्छी बात है, है ना। सर क्यों याद करनी है भाई, मैंने क्या बोला, स्लोप में आपको चाहिए, है ना, स्लोप में आपको चाहिए ये बातें। चलिए देखिए, सर ध्यान से देखना आप, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग क्या था हमारा, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच का कोण। तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है ना। पहले आप क्वेश्चन से करना चाहें तो ये आपका पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर आप देखोगे कि बहुत रॉकेट की स्पीड में चीजें हुई है। आपको दो लाइन बना के उनके बीच का एंगल पूछा जाएगा, एक लाइन ये बना दी, एक लाइन ये बना दी, ठीक है, एक लाइन ये बना दी,
ठीक है, इनके बीच का एंगल पूछा जा रहा है कितना होगा, एंगल बिटवीन टू लाइन, इन दो लाइनों के बीच का एंगल कितना होगा, ये रहा। फिर हमने बोला यार ये बात तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर मैंने बोला लाइन रुकती का है, लाइन तो आगे की तरफ बढ़ती है, लाइन सेगमेंट रुकते हैं तो लाइन तो बढ़ेगी आगे की तरफ। हाँ यार बात तो ठीक है, लाइन जा रही है आगे की तरफ। ठीक है, लाइन तो जाएगी आगे की तरफ। हाँ सर जी, लाइन आगे की तरफ बढ़ गई, लाइन तो यहां भी आगे की तरफ जाएगी। यस सर जी, लाइन तो ये रही। लाइन यार आपस में तो चार प्रकार के एंगल बना रही है, देखो ये रही, यहां भी बना रही है, यहां भी बना रही है, यहां भी बना रही है और यहां भी बना रही है, तो दो लाइनें आपस में तो चार प्रकार के एंगल बना रही है। हाँ सर जी, लेकिन इन चार प्रकार के एंगल में ये बात सच है, दो एंगल सेम है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, जितना येलो वाला बना रहा उतना येलो वाला नीचे बना रहा है, जितना ये पिंक वाला बना रहा उतना ये बना रहा है, तो ये भी क्लियर है। तो यानी हम ये कह सकते हैं क्या दो लाइन आपस में दो एंगल बनाती है। हाँ सर जी, दो लाइन आपस में दो एंगल बनाती है, है ना, एक ये येलो वाला और एक ये पिंक वाला। अभी कैसे कैसे निकाले इनको, मैंने कहा देखते हैं भैया, एक काम करते हैं, ध्यान से देखना, इस व्हाइट वाली लाइन का स्लोप, इस वाली लाइन का स्लोप एम वन ले लिया, ठीक है, इस वाली ग्रीन वाली लाइन का स्लोप एम टू ले लिया, और इन दोनों के जो बीच में एंगल है इसको हम लोगों ने थीटा ले लिया। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या एंगल ले लिया, थीटा एंगल ले लिया। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के स्लोप से, तो हमने कहा पता नहीं कैसे करेंगे क्या करेंगे, तो हमने कहा एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, हमने अपनी एक्स एक्सिस को लेके आ गए इसके पास, ध्यान से देखना, अपनी एक्स एक्सिस को उठा के लेके आ गए इसके पास। ठीक है, अपनी एक्स एक्सिस को उठा के लेके आ गए इसके पास, ये रही। ठीक है, फायदा सुनिए, फायदा क्या हुआ, ये वाली लाइन का स्लोप m1 है, तो मैंने बोला यार ये वाली लाइन ना हमारी x एक्सिस से, ये वाली लाइन ना हमारी x एक्सिस से एंगल बना रही है थीटा वन। ठीक है, यस, तो जो स्लोप है उस स्लोप की वैल्यू क्या हो गई, जो भी लाइन x एक्सिस से एंगल बनाती है उसके ऊपर टेन लगा दीजिए, पहली वाली लाइन का स्लोप m1 था तो उसकी वैल्यू हो गई टेन थीटा वन, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है थीटा टू, है ना, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है थीटा टू, तो एंगल के आगे टेन लगा दीजिए स्लोप निकल जाएगा, एंगल के आगे टेन लगा दीजिए स्लोप निकल जाएगा, ये वाली लाइन का एंगल कितना है, ये वाली लाइन का एंगल है थीटा टू, यस सर, तो उसके आगे टेन लगा दीजिए उसका स्लोप भी मिल जाएगा। बट ये जो एंगल बीच में है भाई, ध्यान से देखना, ये येल्लो वाला, ये जो येल्लो वाला एंगल थीटा बीच में है, ये थीटा टू है, ये थीटा वन है, तो ये बीच वाला एंगल है कितना, ये है सर जी थीटा टू माइनस थीटा वन, है ना, और आपको यही निकालना है, यानी ये जो थीटा की वैल्यू यही निकालनी है, तो एंगल बिटवीन द टू लाइंस में थीटा निकल कर आया थीटा टू माइनस थीटा वन। फिर हमने एक काम किया, दोनों तरफ टेन लगा दिया, इधर भी टेन लगा दिया, इधर भी टेन क्यों लगाया, क्योंकि टेन की वैल्यू पता है, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बोलना, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, ये निकल कर आ गया। ठीक है सर जी, क्लियर, टेन, अरे टेन थीटा टू की वैल्यू हो गई एम टू, टेन थीटा वन की वैल्यू हो गई एम वन अपॉन वन प्लस एम वन इंटू एम टू आ गया, ये नहीं ना, टेन थीटा वन की वैल्यू एम वन, टेन थीटा टू की वैल्यू एम टू, और ये निकल कर आ गया टेन थीटा। तो सारे के सारे बच्चे देखो, जो आप डायरेक्ट रट के पढ़ते थे वो मैंने बता दिया, रखना आपको याद है, और आपको ये फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं करना, है ना, आपको ये फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं करना, आप तो डायरेक्ट आंसर दोगे, ये मैं बता किस ले रहा हूं, ताकि आप चीजों को समझो कि चीजें इतनी टफ नहीं है, चीजें आसान है बहुत, कोई बताने वाला तो हो, है ना। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला हम लोगों के पास आ गया, टेन थीटा बराबर एम टू माइनस एम वन अपॉन ये रहा वन प्लस एम वन एम टू। बट सर ये तो ये वाला एंगल निकला, ये वाला कैसे निकलेगा, फिर मैंने कहा ध्यान से देखो, इस व्हाइट वाली लाइन को देखोगे तो ये एंगल थीटा और ये पूरी लाइन घूमकर यहां पर रुक गए, नहीं 180, तो क्या इस पिंक वाली लाइन को हम एक काम कर सकते हैं, इस पिंक वाले एंगल को हम एक काम कर सकते हैं क्या सर जी, इस पिंक वाले एंगल को क्या मैं 180 माइनस थीटा लिख सकता हूं। मैंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर हमने एक काम किया, हमने अपने लाइन के एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस येलो वाले का नाम दे दिया छोटा एंगल, पॉजिटिव एंगल, एक्यूट एंगल, न्यून कोण, और जब इसको 180 में से घटा दोगे तो पिंक वाला आ जाएगा, इस पिंक वाले को नाम दे दिया ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, और
दिक्कत यह है एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 0 से 90 डिग्री के बीच में होते हैं, और 0 से 90 डिग्री यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उसी बात की उसी की गरिमा बनाए रखने के लिए हमने यहाँ पर मॉडुलस प्रोवाइड कर दिया। यानी आपको कुछ नहीं करना, आपका बुक का फॉर्मूला तैयार हो गया। अगर कभी भी दो लाइनों के बीच के एंगल पूछे तो आपको लगाना है एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, और यहां से थीटा को सॉल्व कर देना है पॉजिटिव लेकर, है ना, टेन को पॉजिटिव लेकर। पॉजिटिव लेकर क्यों सर जी? क्योंकि हमारा यहां से एक्यूट एंगल निकलेगा, तो यहां से जो भी थीटा निकलेगा वो निकलेगा आपका एक्यूट 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 न्यून कोण। मान लीजिए अंदर माइनस का 1/√3 आया लेकिन मॉडुलस ने प्लस कर देगा उसको, तो प्लस का 1/√3 आ जाएगा, तो थीटा यहां से एक्यूट एंगल निकलेगा। और जब आप उसको 180 में से घटा दोगे तो आपको ऑब्ट्यूज एंगल की भी प्राप्ति होगी। बोलिए सारे के सारे बच्चों को ये फॉर्मूला क्लियर? ठीक है भाई, क्लियर है, एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया, है ना, एक एक चीज क्लियर है। अब इतना क्या काफी है सर चीजों को समझने के लिए? तो मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, आपको दोनों लाइनों का स्लोप दे रखा है और उनके बीच का ऑब्ट्यूज एंगल पूछ रहा है, बताना जल्दी सारे के सारे बच्चे। फिर आपको एक चीज बताऊंगा कि आपको कैसे करना था पेपर में वो चीज। है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी पहले लिख लीजिए बाद में लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको माइनस करना है माइनस कर लो, प्लस कोई आगे पीछे लिखने से क्या फर्क पड़ जाएगा, है कमाल वाली बात कर लो, कर दी तुम्हारे मन की, बताइए। दो लाइनों का स्लोप दे रखा है ना, और उनका एप्टीज एंगल पूछ रहा है कितना होगा, जो सबसे तेज आंसर देगा उसका नाम बोलेंगे। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखिए, अब बच्चे इतना टाइम खराब करेंगे पहले क्या सॉल्यूशन, सर पहले M1 दे रखा है, M2 दे रखा है, फिर फॉर्मूला लगाऊं टेन थीटा वाला, कौन सा M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ठीक है, लगाते हैं भाई टेन थीटा, M2 की वैल्यू बोलिए, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी कुछ भी ले लो, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस तो वैसे ही लगा हुआ है ना, मॉडुलस वैसे भी लास्ट में अगर माइनस बन भी जाएगा तो उसको भी कितना कर देगा भाई, प्लस कर देगा, तो उसकी टेंशन आप लोग मत लो, है ना, मॉडुलस की टेंशन आप लोग मत लो,
ठीक है, ये रहा। तो एम वन एम टू ले लिया हम लोगों ने, यस सर। एम टू बोलिए टू प्लस रूट थ्री है, वो माइनस होगा तो भी आप मॉडुलस उसको चेंज कर लेगा, अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चार में से तीन गए एक आ गया, टू से टू कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, रूट थ्री टू रूट थ्री आ गया, नीचे एक और एक दो आ गया, दो से दो कैंसिल हो गया, टेन थीटा बराबर रूट थ्री आया। टेन थीटा में रूट थ्री कितने पर, 60 डिग्री पर। ये तो एक्यूट एंगल निकला है ना, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए क्या सिखाया सब ने, जो 60 डिग्री निकला उसको 180 में से घटा दीजिए, तो 180 में से 60 गए, 180 में से 60 गए 120 आंसर आ गया। ये तो भैया आम जिंदगी है ना, 180 माइनस थीटा 60 डिग्री आ गया आंसर, ये तो है आम जिंदगी। मेंटोस जिंदगी, दाकोस जिंदगी, वो देखिए, ठीक है, वो देखिए अब आप कैसे करेंगे। आपने मेरे सामने देखो, इन चीजों को बताने का मतलब क्या होता है ये देखिए, कितना आसान करूंगा मैं चीजों को, ध्यान से देखिए। आप मुझे ये बताइए, अगर इस वाली लाइन का स्लोप m1 है तो इसका एंगल आप बता सकते हैं थीटा 1। हाँ सर जी, थीटा 1 हो जाएगा tan इनवर्स m1, ठीक है। आपने इस वाली लाइन का एंगल बताया थीटा, स्लोप बताया m2, क्या इसका थीटा 2 बता सकते हैं? हाँ, थीटा 2 हो जाएगा tan इनवर्स m2। ठीक है, थीटा 2 हो जाएगा tan इनवर्स m2, क्या है, ठीक है, ये रहा सर जी, बहुत बढ़िया। और इनके बीच का एंगल क्या था? इनके बीच का एंगल था थीटा, और थीटा कितना निकल कर आया? थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो थीटा जो इनके बीच का एंगल है, क्या उसको हम ये लिख सकते हैं, थीटा बराबर थीटा 2 कितना है, tan इनवर्स m2, अरे हाँ, माइनस टेन इनवर्स एम वन, अरे हाँ, ये तो और आसान हो गया। तो आपको कुछ भी नहीं करना है ना, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको जो एम टू स्लोप है उसके ऊपर टेन इनवर्स लगाना है, एम वन स्लोप है उसके ऊपर टेन इनवर्स लगाना है, और उसको घटा देना है, खत्म। आपका एंगल निकल गया, इससे एक्यूट निकलेगा, उसको तुरंत 180 में से घटा दो, ऑब्ट्यूज निकल जाएगा। यानी एंगल बिटवीन टू लाइन में आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल लगा सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ एक और भयंकर सा फॉर्मूला आप लोगों ने सीखा ही सीखा, क्या सर जी, कि आप थीटा प्राप्त करने के लिए सिंपली एक काम करेंगे, टेन इनवर्स एम टू माइनस टेन इनवर्स एम वन, जो भी आपका स्लोप है उनके ऊपर टेन इनवर्स लगा के खत्म कर देंगे। आपने वैल्यूज भी याद रख रखी है। हाँ सर जी, आपको पता है टू प्लस रूट थ्री टेन में कितने पर, 75 डिग्री पर, टू माइनस रूट थ्री टेन में कितने पर, 15 डिग्री पर। चलो भाई खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को, तो दाकोज जिंदगी से अभी देखिए इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी खत्म करेंगे। यहां गया ये, और दूसरा तरीका, तो इनके बीच का एंगल बच्चे यहां देखिए, अब देखना टाइम नहीं खराब करेगा कोई भी, थीटा बराबर tan इनवर्स m2, इसके ऊपर tan इनवर्स लगाओगे tan में 2 प्लस रूट थ्री 75 डिग्री पर, माइनस tan इनवर्स m1, जब इसके ऊपर tan इनवर्स लगाओगे tan में 2 माइनस रूट थ्री 15 डिग्री पर, 75 में से 15 गए 60 डिग्री, और थीटा 60, तो ऑब्ट्यूज एंगल, ये तो एक्यूट निकल गया, ऑब्ट्यूज एंगल 180 करना पड़ेगा, थीटा 60 तो ऑब्ट्यूज एंगल 180 करना पड़ेगा, 180 में से 60 गए 120 आ गया। बोलिए सारे के सारे बच्चों को क्लियर, ये तो बहुत आसान हो गया भाई। tan इनवर्स m2, हाँ सर जी, 2 प्लस रूट थ्री टेन में 75 डिग्री पर आता है, tan इनवर्स 2 माइनस रूट थ्री टेन में 2 माइनस रूट थ्री 15 पे आता है, तो 75 में से 15 गए 60 डिग्री, हाँ भैया ये रहा, टेन में टू प्लस रूट थ्री 75 पर, तो टेन इनवर्स टू प्लस रूट थ्री 75, टेन इनवर्स टू माइनस रूट थ्री 15, 75 में से 15 गए 60, बोलना आसान है नहीं है, क्यों नाटक करना, जल्दी बोलिए। चीजें सीखी वो वाली जिनसे पेपर निकलेगा, आपके पेपर का पीवाई क्यू है,
प्रियांशु राठी बेटा, नाम नाम लेना ना लेना वो जरूरी है या ये बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया? ये सर आसान हो गई ना चीजें। हाँ तो ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन वो मतलब नहीं है, वो तो भैया स्कूल का क्वेश्चन है, दुनिया ही करेगी। ऐसे कर लेंगे दोनों लाइनों के बीच का एंगल कभी भी बोलेगा टेन इनवर्स एम टू माइनस टेन इनवर्स एम वन, वहां से जो निकलेगा वो पॉजिटिव ही लेना है, वो एक्यूट है उसको 180 में से घटा दो, ऑब्ट्यूज मिल गया। ठीक है एक और बताओगे बताना। एक लाइन का स्लोप है रूट टू माइनस वन, एक लाइन का स्लोप है रूट टू प्लस वन, उन दोनों लाइनों के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल बताना, कौन बताएगा सबसे तेज? जो बच्चा फॉर्मूले से करेगा वो तो परेशान हो जाएगा। अब बताइए एक लाइन का स्लोप रूट टू माइनस वन है, एक लाइन का स्लोप रूट टू प्लस वन है, दोनों लाइनों के बीच का अधिक कौन? खाना खाओ बेटा श्रवण, आप खाओ खाना जल्दी बताइए। सबसे तेज आंसर देने वाले बच्चे हैं आप बच्चों में से, प्रांशु कुमार बिल्कुल सही, अविराल भारद्वाज बिल्कुल सही, दीपक यादव गलत, प्रिंस कुमार बिल्कुल सही, और कोई? अरुण कुमार बिल्कुल सही, उज्जवल चौधरी गलत, मोहित कुमार बिल्कुल सही, दिव्यांशु बिल्कुल सही, तुषार सहलौत बिल्कुल सही, आकाश चौधरी बिल्कुल सही, चेवती शेखा राव गलत आंसर, एक्यूट एंगल नहीं पूछा ऑप्टिव्स पूछा है, आकाश चौधरी सही, अंकित चौधरी भी सही, निशान चौधरी सही, प्रियांशु राठी सही, शिवम लौर गलत, नितिन चौधरी सही, ईशांत सही। ठीक है अभी अभी तो टेबल बनवाई थी और मैंने समय भी दिया था लिखने का, ये रहा देखो मैंने बोलता लिख लेना भाई, रूट टू प्लस वन 67.5 पे आता है, रूट टू माइनस वन 22.5 पर, चार ही तो वैल्यू याद करने को बोली है, वो भी आप याद नहीं कर रहे हो, ऑब्ट्यूज एंगल बोलिए है ना। ठीक है भाई अब कुछ नहीं करेंगे, टेन इनवर्स एम टू, टेन इनवर्स एम टू का मतलब टेन इनवर्स रूट टू प्लस वन, ये हो गया 67.5 माइनस टेन इनवर्स एम वन, ये हो गया 22.5, 67.5 में से 22.5 गए 45, ये तो उनके बीच का एक्यूट एंगल निकला, हमें तो ऑब्ट्यूज पूछा था है ना, ये तो हमारा क्या निकल गया भाई, उनके बीच का एक्यूट एंगल न्यून कोण निकल गया। हमें क्या चाहिए था? ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए इसको 180 में से निपटा दो, 180 माइनस 45 आंसर इज 135। आसान है, क्लियर है? हाँ सर जी बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया से क्लियर। ये बताइए जल्दी से, एक लाइन का स्लोप रूट थ्री और एक का वन है, अल्फा इनके बीच का अधिक कोण है, अल्फा कितना होगा? इस पर टेन इनवर्स लगाया
60 डिग्री, tan इनवर्स रूट 3 60, इस पे tan इनवर्स लगाया एक निकला, 10 में एक 45 पर, 60 में से 45 गए 15, इनका एक्यूट एंगल है 15, 180 में से 15 गए 165 ऑब्ट्यूज एंगल। बताओ क्या पेन उठाने की जरूरत पड़ी, पहले तो सॉल्व करना पड़ता था, ये करना पड़ता था, अब सर जी डायरेक्ट ही कर दिया हम लोगों ने तो। टेन में रूट थ्री लगाया 60, टेन में वन लगाया 45, 60 में से 45 गए 15, 15 तो एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज पूछ रहा है, 180 में से 15 गए 165, बिना पेन के काम चल रहा है, क्वेश्चन हवा में उड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अमित। अमित कह रहे हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिशें पूरी शिद्दत के साथ करी जाएं तभी हार नहीं होती, है ना, वरना कोशिशें की जाएं फिर दो तीन दिन बाद हाथ खड़े कर दिए जाएं तो फिर कोशिशों में भी हार हो जाती है। चलिए भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब इसका एक वाइस वर्सा वाला कंटेंट आता है, उसमें देखते हैं कौन बच्चा बताएगा, ये लिखिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और, फिर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, आज हमारा स्लोप खत्म हो जाएगा, हो गया मतलब, ये करिए कौन बताएगा। देखिए तो इसे बताने में आपको कभी थोड़ी सी दिक्कत आएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ देखिए क्या हेडिंग है, एक वन स्लोप एंड एंगल बिटवीन किताब की तरह नहीं करेंगे हम, किताब की तरह तो हो गया काम हमारा। देखिए ध्यान से सारे के सारे बच्चे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बच्चे इसको तो मॉडुलस से अलग अलग प्लस माइनस करके करते हैं लेकिन हमारे लिए बहुत आसान बना रहा हूं, ध्यान से देखना। इसमें क्या कह रहा है, आपको पहली लाइन का स्लोप देगा, हाँ गिवन का मतलब वो मिलेगा आपको, गिवन का मतलब वो देगा, पहली लाइन का स्लोप देगा, हाँ सर जी दे रहा है, दोनों लाइनों के बीच का एंगल देगा, हाँ सर जी थीटा दे रहा है, क्या पूछ रहा है, सेकंड लाइन का स्लोप बोल रहा है। अब आप बोलोगे सर क्या दिक्कत है, फॉर्मूले से कर लो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना, टेन थीटा बनाओ मॉडुलस में एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, बिल्कुल सही बात है भाई, बात भी ठीक कह रहा है बच्चा, है ना, बात भी तो ठीक कह रहा है, हाँ सर जी बात तो बिल्कुल ठीक है, इसी से कर लो आप, खत्म करो क्वेश्चन को, है ना, खत्म करो सर जी क्वेश्चन को, बात तो बिल्कुल सही है यार, क्या तो ठीक है। फिर टेन थीटा दिया हुआ है, ये दिया, एक बार मॉडुलस हटा के एक बार प्लस के बराबर रखो, एक बार माइनस के बराबर रखो, एम टू आ जाएगा दोनों बारों से, तो वो तरीका बाद की भाड़ में गया। आप यहां देखिए ध्यान से सारे के सारे बच्चे, टेन थीटा बराबर, यहां पर मैंने जो फॉर्मूला बनाया था इसका शॉर्ट वाला क्या बनाया था, टेन इनवर्स एम टू माइनस टेन इनवर्स एम वन, एम एंगल बिटवीन टू लाइन वाला, यस सर जी क्लियर है। तो एक बार हम इस चीज को मॉडुलस हटेगा, एक बार हम इस चीज को प्लस से करेंगे और एक बार माइनस से करेंगे, ठीक है, अगर प्लस से करोगे तो एज इट इज यही रहेगा, टेन इनवर्स एम टू यही रहेगा, माइनस का टेन इनवर्स एम इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो टेन इनवर्स एम टू, देखते रहना ध्यान से, मैं फॉर्मूला जो आएगा फाइनल वो लिखूंगा, एम टू यही रह जाएगा, पहले प्लस वाला जा रहा, माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस के इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा टेन थीटा प्लस में टेन इनवर्स एम वन, ठीक है, ये टेन इनवर्स उधर जाके प्लस का हो गया, ये टेन इनवर्स उधर जाके टेन चला गया, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला,
ठीक है, ये तो निकल कर आ गया। हाँ सर जी, ये सिंपल निकल कर आ गया। यहां पर टेन थीटा की वैल्यू कोई भी होगी हमारी, टेन थीटा की वैल्यू वन आ गई या जो भी आ गई, स्लोप ही होगा। फॉर्मूला बन जाएगा, स्लोप का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी, टेन थीटा ही लिख देता हूं, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, ये निकल के आ गया। दूसरी वाली का ले जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस के इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। तो अब सब गया भाड़ में, सब हटा दो इधर से, सब हटा दो। अब आपको ये याद रखना है बस, क्या ये रही चीज है, भैया आप फिगर से भी कर सकते हैं ना, फिगर से कैसे सर जी, आपको इस वाली लाइन का स्लोप दे दिया, इस वाली लाइन का स्लोप पता लगाना है, इस वाली लाइन का स्लोप पता लगाना है, इस वाली का स्लोप दे दिया, इसको मैंने टेन थीटा वन मान लिया, ठीक है, ये इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ये कितना है थीटा वन, तो ये पूरा एंगल कितना है भाई, थीटा प्लस थीटा वन, ठीक है सर जी। तो इसी का स्लोप निकालना है, तो उसके ऊपर टेन लगा देते हैं, टेन थीटा प्लस वन का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी, टेन थीटा वन की वैल्यू ये रहा, और वन माइनस टेन ए टेन बी ये लिखा हुआ। अगर एंटी क्लॉक वाइज जाएगा, ये लाइन जरूर थोड़ा ना यहां से एंगल बनाएगी, ये लाइन इससे ऐसे भी एंगल बना सकती है ना, दो लाइन आपस में एक दूसरे से क्लॉक वाइज भी बना सकते हैं, एंटी क्लॉक वाइज भी। ये वाला एंगल थीटा वन ऐसे भी बना सकता है, ये इससे थीटा वन बना रहा है, इससे थीटा, तो ये यहां से ऐसे बना सकता है, वो थीटा वन माइनस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी। समझ गया ना, देखो ना सर, मेरी ये वाली लाइन है 30 डिग्री, इससे मेरी एक लाइन 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो 45 का बना रही है, तो यानी यहां से ये 45 डिग्री, दूसरा 45 ऐसे भी बना सकती है, ये रहा 45, तो ये बन जाएगा माइनस 15 डिग्री, समझ गए मेरी बात। तो 45 उधर भी बन सकता है, 45 इधर भी बन सकता है, ठीक है, तो ठीक है भैया, तो ये एंगल हमारा थीटा वन रहेगा, ये दोनों लाइनों के बीच का एंगल थीटा, 30 इधर था 45 इधर हो गया, तो थीटा वन माइनस थीटा कर देंगे, थीटा वन माइनस थीटा, तो टेन ए माइनस टेन बी, तो आगे स्लोप आ जाएगा, स्लोप लिख देते हैं आगे, यहां पे ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ है, ये आ जाएगा एम वन माइनस थीटा, ऊपर भी एम वन प्लस थीटा। तो ये दोनों चीजें आप लोग ये डायरेक्ट याद रखेंगे, और कोई घबराने वाली बात है नहीं, कुछ भी नहीं करना, कभी भी आपको लाइनों का एक स्लोप दे दे और उनके बीच का एंगल दे के दूसरा स्लोप पूछे, आप सिर्फ इन फॉर्मुलों से कर लेंगे खत्म कहानी, ठीक है। अभी मैं करके भी दिखा देता हूं आपको कैसे अप्लाई करने ये फॉर्मूले, है ना, एम वन देगा थीटा देगा, आप ऐसे करके एम टू निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गई सारे के सारे बच्चों को। हाँ सर जी, अब देखो मैं क्वेश्चन कराता हूं, ये देखिए, स्लोप ऑफ अ लाइन इज वन बाय, ये तो नहीं है वाला हमारा किसी काम का ही नहीं है, अरे यार कहाँ है, मैं लिख ही देता हूं क्वेश्चन, देखिए यहां देख लीजिए, स्लोप ऑफ लाइन इज वन बाय टू, एक लाइन का स्लोप वन बाय टू है, स्लोप ऑफ लाइन इज वन बाय टू, और उनके बीच का एंगल है आपका 45 डिग्री, दूसरी लाइन का स्लोप बताइए, ठीक है, तो हमने कहा हो जाएगा बहुत आसान से, तो दोनों पे दोनों निकालेंगे, दोनों आंसर सही होंगे, है ना, ये भी ठीक होगा, ये भी ठीक होगा, क्योंकि एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो M2 निकल कर आएगा भाई, M2 निकल कर आएगा M1 प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस M1 टेन थीटा, ऊपर आ गया 4/3, नीचे 3 में से एक गए 2/3, ये कैंसिल, दो आंसर आ गए, बिल्कुल ठीक है। दूसरा वाला M2 निकलेगा, वो भी सेम फॉर्मूला होता है, बस माइनस प्लस कर देते हैं, देखो प्लस माइनस को माइनस प्लस कर देते हैं, तो यहां पे माइनस लगा दो और यहां पे प्लस लगा दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस के 2/3 और ये आ जाएगा 4/3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस के 1/2, बिल्कुल सही भैया, लो। तो अगर आपकी एक लाइन का स्लोप 1/3 है, उन दोनों लाइनों के बीच का एंगल 45 है, दूसरा एंगल स्लोप बताइए, तो ये भी ठीक है,
ये भी ठीक है, ऑप्शन में जो लिखा होगा वो ठीक है। तो इनके ऊपर स्टार बना लीजिए, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। आप लोग मॉडुलस से करोगे बैंड बच जाएगी, बाकी बुक्स में भी मॉडुलस से कर रखा है। आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी है, खत्म, टाटा गुड बाय। बोलिए सारे के सारे बच्चों को क्लियर? तो अगर कभी भी एक लाइन का स्लोप दे दे, उन दोनों लाइनों के बीच का एंगल दे दे और दूसरा स्लोप पूछे, तो आपको करना है m1 plus tan theta upon 1 minus tan theta m1, और दूसरे में सेम करना है, बस प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस कर देना है। बहुत आसान, बहुत सिंपल हो जाएगा। ये देखिए, ये हो तो गया। एक लाइन का स्लोप 1/3 है, उनके बीच का एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। दूसरी लाइन का स्लोप बताइए, तो ये आप डायरेक्ट निकाल लोगे, 2 और -1/2 बोथ आर द करेक्ट आंसर, एक लाइन में उड़ाने का तरीका। तो एक स्लोप दे देगा उन दोनों लाइनों के बीच का, सॉरी एक स्लोप दे देगा उन दोनों लाइनों के बीच का, एक स्लोप दे देगा उन दोनों लाइनों के बीच का एंगल दे देगा, दूसरी लाइन का स्लोप पूछेगा, ठीक है। चलिए और लास्ट क्वेश्चन है, फिर खत्म करते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 collinear points, है ना। ये पेपर किसमें आया था? एयरफोर्स के पेपर में आया था। क्या कह रहा है? एक लाइन के ऊपर 3 points ले लेते हैं कोलिनियर, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। एक लाइन के ऊपर 3 points ले लिए और एक पॉइंट ऐसा है, है ना, जो पॉइंट है इसके हमें लोकस बताने, इसके बिंदु पथ बताने। क्या है ये पॉइंट? इस पॉइंट की खास बात यह है, ये तीनों से बराबर दूरी पर है, इससे भी बराबर दूरी पर है, इससे भी बराबर दूरी पर है, इससे भी बराबर दूरी पर है। तो पूछ रहा है ये वाला पॉइंट किसके ऊपर आता है? सर्कल पर, पैराबोला पर, इलिप्स पर, हाइपरबोला पे, नल सेट। पहली बात सुनिए, अगर 3 collinear points और एक पॉइंट तीनों से बराबर डिस्टेंस पे आ रहा है, तो ये दोनों डिस्टेंस तो बराबर हो सकते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस थोड़ी ना बराबर होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस तो सेम हो सकते हैं लेकिन बेस थोड़ी ना सेम हो जाएगा। तो ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं दुनिया में जो 3 collinear points से बराबर दूरी पर मिले। ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है दुनिया में जो 3 collinear points से बराबर दूरी पर मिले। तो कभी भी आप 3 संरेखीय बिंदु लेंगे और एक ऐसा बिंदु ढूंढने की कोशिश करेंगे जो इससे भी, इससे भी, इससे भी बराबर दूरी पर मिले, तो आपको ऐसा पॉइंट कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। 3 collinear points किसी भी एक बिंदु से बराबर दूरी पर नहीं हो सकते। तो जब ऐसा कोई बिंदु है ही नहीं, तो ना ही वो सर्कल पे आता, ना ही स्ट्रेट लाइन पे, ना ही पैराबोला पे। किसके ऊपर आता है? बोलो, वो नल सेट पर। क्लियर भाई? तो आज की कक्षा होती है समाप्त। आज हम लोगों ने पढ़ा स्लोप के रिगार्डिंग बातें, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम बच्चे पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, समीकरण बनाना। जो जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, ढंग से बेहतरीन तरीके से नोट्स बना लीजिए। एक्स्ट्रा बातें बताइए आपको, कैसे क्वेश्चन को फास्ट बनाना है, कैसे औरों से आगे तेज जाना है, सारी बातें मैंने आपको बता दी। सारी डेरिवेशंस आपको बताई, डेरिवेशंस करने के लिए आपको मना किया, बस डायरेक्ट आंसर आपके सामने लिख दिया, और लिख इसलिए दिया ताकि आप याद रखें पेपर में कि वो आई कहां से, है ना, वरना तो आप पहचान ही नहीं पाते कि आई कहां से है। आप डायरेक्ट एक एक चीज निकालना सीख गए, ठीक है भाई। तो आज की क्लास को करते हैं एंड। अब आपकी फिजिक्स की क्लास है 2 बजे, आप 1 घंटे रेस्ट कर लीजिए, खाना पीना खा लीजिए, 2 से 4 आपकी फिजिक्स की क्लास चलेगी, ठीक है बच्चे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।